यू आर नेवर स्केर्ड ऑफ फेलियर. नो, फिर फेलियर होगा तभी तो आप, लर्निंग होगी. जब भी तो आपको लर्निंग भी होगी, आप उससे आगे भी तो बढ़ेंगे. फेलियर का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वहाँ पे खत्म. हाँ, फेलियर आपने मान लिया और ट्राई करना छोड़ दिया, बस वहाँ आप फेलियर. वो एक्चुअल फेलियर, वो एक्चुअल फेलियर, अदरवाइज फेलियर हो. ये पहले मेरे पास आई थी अपॉर्चुनिटी तो मैंने मना किया था इससे कि शायद मैं नहीं कर सकता. भाई को बताया क्या आपसे, किसी ने मजाक किया होगा. रिजर्व में है वो तकरीबन 2 साल की सैलरी है. Oh my God, amazing. So you worked on funds for university and you worked on this open door policy for students. वो बच्चे जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे या जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ होंगे, उन्होंने उनको ऑटोमेटिकली पिक करना है कि भाई ये बच्चे जो है यहाँ पे बड़े जबरदस्त बच्चे होते हैं, बड़ा काम कर रहे हैं. यही चीज़ हमने डीपीए के लिए की थी. प्रेशर हैंडल करना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इतनी सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं. वो जो पैराग्राफ उधर पढ़ के लिखा होता है ना, एक्चुअली आप प्रैक्टिस कर रहे हो. प्रैक्टिस कर रहे हो तो ज़्यादा जो सायादार हो जाते हैं उसके नीचे पे वो कुदरा भुगता नहीं है. This has always been my dream to interview you and I'm doing it today. जो दे चला वो ले चला, जो रख चला वो खो चला. It means कि if you have saved something for yourself तो आप तक ही रहेगी, लेकिन जो आप दे देते हैं असल में वही चीज़ है जो आप साथ लेके जाते हैं. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महम खालिद एंड वेलकम टू दी हसल स्टोरीज. आज मेरे जो गेस्ट हैं वो मेरे फेवरेट टीचर भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, और ही हैज़ एन अमेजिंग पर्सनैलिटी. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू डॉक्टर शबीबुल हसन. वेलकम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं. सो डॉक्टर शबीब इज़ द वाइस चांसलर ऑफ हमदर्द यूनिवर्सिटी सिंस 2016, एम आई राइट? 2017. अच्छा, 2017 से. ठीक है सर, शबीब से बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है हमारा, मेरा खास तौर पे 2015 से. सो इट्स बीन 7 years. यस. तो सर शुरू से शुरू करेंगे. हसल का जो विज़न है वो यही है कि हम जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं वो हमारी ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ से बल्कि पर्सनल लाइफ से भी जो हमारे टफ डिसीजंस होते हैं उससे हम उनको इंस्पायर कर सकें. बिकॉज ऐसा होता है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स हम जो कॉन्वर्सेशंस करते हैं वो हमारी करियर रिलेटेड होती हैं, प्रोफेशन रिलेटेड होती हैं, लेकिन जो लोग ऊपर तक पहुँचे हैं उनकी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ नहीं होती, उसमें अ लॉट ऑफ टाइम्स आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टफ डिसीजंस होते हैं जो आप लेकर निकले होते हैं, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता. सो लेट्स डिस्कस फ्रॉम द बिगिनिंग, कहाँ से पढ़ा आपने? मेरी स्कूलिंग लिटिल फॉक्स स्कूल से थी, बोसाने सादी. उसके बाद फिर मैंने ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल से मैट्रिक किया, आपको स्कूल कर नहीं है, स्कूल. उसके बाद फिर इंट्री जो है वो आदमी से रही, फिर उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी. कराची यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो आपने बैचलर्स और मास्टर्स वहाँ से किया? मैंने बैचलर्स और मास्टर्स वहाँ से किया. उसके अलावा बीच में थोड़ी मेरी इंगेजमेंट ICMA और CIMA के साथ भी थी, लेकिन चूँकि फिर मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया मास्टर्स के बाद, तो फिर वो कम्प्लीट मैं नहीं कर सका. आपने कहाँ से कहाँ पर MBA? MPA किया था. हाँ. लेकिन इसके अलावा मेरे ICMA से मेरा स्टेज 2 क्लियर था, लेकिन फिर कंप्लीट नहीं किया, इसको मेंशन नहीं करता क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन जॉब स्टार्ट होता है. अच्छा, ओके ओके. तो सर अपने ही इंस्टीट्यूट में आपने फिर पढ़ाया भी. सो मतलब कैसा लगता है कि जहाँ से आपने पढ़ा वहाँ आपने पढ़ाया? अच्छा, इसके दौरान बल्कि आपने बाहर जाके भी पढ़ा, राइट? मैंने जो अपनी स्टडीज के दौरान स्पेशली आफ्टर इंटरमीडिएट, मैंने एक इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा, मैंने ड्यूअल रहा मेरा. जिसमें इस वक्त मैं अपना बैचलर्स कर रहा था, उसके साथ मेरा जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर का डिप्लोमा हमने उस वक्त किया था, वो साथ चलता रहा. फिर उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा साथ चला, उसके साथ फिर मास्टर्स, फिर ACMA भी साथ साथ. तो वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं एसोसिएट तो रहा. हमेशा ये अच्छी फीलिंग होती है, जहाँ से आपने पढ़ा वहीं पे आप उसको पढ़ा रहे हैं, तो वो एक फीलिंग ही अलग होती है और अटैचमेंट ही अलग होती है जो आप वैसे बयान नहीं कर सकते. उसके बाद जब मैंने पढ़ाया पढ़ाना शुरू किया, देन आई रियलाइज कि जो है वो मैं यहीं पढ़ रहा हूँ, यहीं से पढ़ा रहा हूँ वहीं से मैंने पढ़ा है, तो शायद किसी स्टेज पर जाके मुझे ये लगे कि जो है वो मेरा एक्सपोजर वो नहीं है, मेरी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो यहाँ से बाहर कुछ होगी. यहाँ रोज़ स्टूडेंट्स आते हैं, वो मुझे बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो 2 साल बाद 4 साल बाद मुझसे मिलेंगे वो कहेंगे इन्होंने तो बहुत बुकिश मुझे चीज़ें पढ़ाई थी, इन्होंने वही बहुत लिमिटेड नॉलेज थी, तो आई नीड टू मूव आउट फ्रॉम हियर. और उसके बाद फिर मैं UK गया अपनी स्टडीज़ के लिए, ताकि जो मैं सिर्फ इस हवाले से कि मेरे पास वो एक्सपोजर्स हो कि मैं बात कर सकूँ, मैं सिर्फ यहीं पर नहीं था, मैं यहाँ से बाहर
का एनवायरनमेंट भी जानता हूँ। किसी भी टीचर के लिए उसके पास रिच एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर वो रिच एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है लाइफ के, तो वो सही से अपने स्टूडेंट्स को मोल्ड नहीं कर सकता, वो उनको वो चीज़ें नहीं दे सकेगा जो उन स्टूडेंट्स को चाहिए उस पॉइंट इन टाइम पे जिस वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं। अगर वो रिच एक्सपीरियंस उनके पास होंगे टीचर्स के पास, तो फिर वो बच्चों को दे सकेंगे। यूनिवर्सिटी की एजुकेशन इज अबाउट हाउ यू बी डीलिंग विद योरसेल्फ। उसमें बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बुकिश नॉलेज का पोर्शन बहुत कम होना चाहिए। उसमें अपने सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स हैं, आपके प्रैक्टिकल्स हैं, आपकी चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, आपकी चीज़ों के बारे में एक्सप्रेशंस हैं, आपका कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आता है तो ऑलरेडी 14 ईयर्स 16 ईयर्स एजुकेशन ले चुका होता है, अंडरस्टैंड के बुक पढ़नी कैसे है, समझनी कैसे, वो सारी चीज़ उसके पास होती है। अब उसको अप्लाई कैसे करना है, अपने साथ रिलेट कैसे करना है, अपने साथ कैरी कैसे करना है, एट टाइम्स जिस वक्त सिचुएशन अराइज हो उसके बारे में फैसले कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ उसको उस वक्त यूनिवर्सिटी में जो सिखाने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर हम बात करें मैनेजमेंट साइंसेज या सोशल साइंसेज के बारे में अगर हम बात करें, तो वहाँ पर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज एन इंडिविजुअल आप कैसे डेवलप हुए हैं या कैसे अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं सोसाइटी में, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन इस वाले से होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए टीचर का जो है वो एक्सपोजर लेवल, उसके एक्सपीरियंस ज़्यादा होने चाहिए, रिच होने चाहिए, तब वो बच्चों को सही अंदाज से। सर, गोइंग बैक टू दैट डिसीजन, जब आपने कहा कि आपने ICMA में एडमिशन लिया और फिर आपने बीच में छोड़ दिया, सो अ लॉट ऑफ टाइम्स जब लोग स्टार्ट कर देते हैं तो फिर लोग ये सोचते हैं कि अब तो शुरू हो गया है, अब तो इसको यू नो कंटिन्यू करना है या कंप्लीट करना है या यही है सिर्फ। और आपने कहा कि आप साइमल्टेनियसली और भी चीज़ें सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हाउ इज़ द रिएक्शन ऑफ योर फादर और योर पेरेंट्स के अभी तो शुरू कर लिया ICMA तो छोड़ क्यों रहे हो फिर? ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम था, क्योंकि आपने अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊँ तो मैंने अपना NED का एडमिशन छोड़ा था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू CA, मैं था कि बचपन से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पढ़नी है, तो उस हवाले से मेरा एक एम था कि मैंने ये करना है। बट देन जब हमने मैट्रिक किया, मैंने कॉमर्स में एडमिशन लेना है, तो घर फादर की तरफ से सबकी तरफ से ताकि जो नहीं साइंस लो, ताकि नहीं मुझे साइंस पढ़नी नहीं, मुझे तो जो है वो CA करना है। बड़ी मुश्किल से खैर कन्विंस उन्होंने किया, हमने फिर साइंस में ले लिया एडमिशन। इंटर में जब रिजल्ट आया, NED में एडमिशन का हुआ, एडमिशन हो गया उसमें, मैंने कहा मैंने पढ़ना नहीं हुआ, मैंने तो कहा था CA करना है, आप जबरदस्ती मुझे जो इंजीनियर बना रहे, मैंने इंजीनियर नहीं बनना, मैंने जो है वो CA करना है। वहाँ पर मैंने फैसला अपने हाथ पे लिया और मैंने जो है वो NED के एडमिशन छोड़ के मैंने कहा मुझे CA करना है, मैंने BCom स्टार्ट किया, इस हाथ में आर्टिकलशिप करूँ और ये सारी चीज़ करूँ। वहाँ हुआ ये कि जो है वो NED के एडमिशन छोड़ना जो है वो बड़ा ही मुश्किल फैसला इसलिए बन गया कि जो है वो उस तरह से मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला स्टडी से जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इसलिए मैंने मल्टीपल चीज़ें साथ में कर रहा था। फिर सबकी तरफ से ये सुनने को मिलना कि वो मैं इस वाले से ये यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि मेरा BCom का रिजल्ट आया शायद अल्लाह ताला की तरफ से था। वी आर ऑलवेज बीन अ पोजिशन होल्डर इन स्कूल, फिर उसके इंटर मैट्रिक भी अच्छा रिजल्ट था, इंटर भी अच्छा रिजल्ट था, BCom मेरा रिजल्ट बहुत ख़राब है पार्ट वन में। तो वो फैसला जो था पार्ट वन में जब आया तो अच्छा इतफाक हुआ, तो रीज़न कुछ भी हो या अल्लाह ताला ने वो एक सबक सिखाना हो कि जो है आप गलत उसको कह रहे हैं। मैंने अपनी जिद पे सबके अगेंस्ट जाके वो फैसला किया था, तो BCom पार्ट वन में मेरे रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। कि मैं इस बता रहा बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिल सकती है स्टूडेंट्स को इस वाले से कि अगर आपको एक दफ़ा अगर कोई हार्ड टाइम मिले तो उसको आपने फेस करना है, उसको उससे बाहर निकलना है, उसमें आपने फंस नहीं जाना है। मेरा रिजल्ट बहुत ख़राब आया, उसे ऑब्वियसली घर वालों से बहुत डांट सुनने को मिली, बहुत खानदान हुई क्या कर दिया और ये कर दिया, अपना करियर तबाह कर दिया, फलाना कर दिया। मुझे इस पर वो था कि मैंने इतना मेहनत से तैयारी की थी, बिकॉज आई वॉज वर्किंग फॉर कि मुझे CA कहना था, मैं बहुत उससे कर रहा था, मैंने फिर छोड़ दिया पढ़ाई, छोड़ दी एंड आई स्टार्टेड अ जॉब कंपनी में, असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब मिली, मैंने कहा दैट्स गुड इनफ, मैं जो वो यहाँ मेरिट कुछ नहीं है, फलाना नहीं है और ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, मैं पढ़ाई करूँ मैं जॉब करूँ। तो मैंने जॉब की, उसके 2-3 महीने हुए थे, तो एक
ऑडिट की टीम आई, उसमें एक लड़का था मेरी एज का था। अब हम एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन है और मैं कौन हूँ, कहाँ मिले हैं, लेकिन रिकॉल नहीं हो पा रहा। बट देन दूसरे तीसरे दिन जाके ये ऑडिट में हमें पता चला कि हम लोग प्राइमरी में साथ थे, प्राइमरी स्कूल में, स्कूल में साथ थे और हम दोनों ने वो स्कूल छोड़ दिया था। एंड यूज के तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यू आर द पोजीशन होल्डर ऑफ आर क्लास, हम तो तुम्हें देखते थे, मैं तो बैक बेंचर। मैंने कहा बस ये हुआ करना कि मैं बात करूँगा कंपनी के ओनर से और तुम्हें अकाउंटेंट यहाँ पे प्रमोट कर दे तुम्हारे लिए। मैंने कहा हाँ यार उससे बात कर लें, उनसे बात करना तुम्हें मेरी प्रमोशन हो जाएगी विद इन सिक्स मंथ, कहने की कोई मसला नहीं, मैं कह दूँगा उनसे। मैं घर आया तो मैंने सोचा कि मेरी क्लास का एक बैक बेंचर मेरे लिए सिफारिश करेगा और मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट से अकाउंटेंट बन जाऊंगा, तो उसके बाद क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। फिर तो मैं हमेशा उस सिफारिश या उसके चक्कर में डिपेंडेंट रहूंगा और मैं हमेशा ये गिल्टी रही कि मैंने खुद नहीं किया बल्कि मेरी सिफारिश की और फिर मैं अकाउंटेंट बन जाऊँगा। लेकिन उसके बाद मेरे पास कुछ तो कुछ भी नहीं, मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी और मैंने साइज करके मैं सिर्फ सिफारिश, फिर नेक्स्ट डे मैंने रेजिग्नेशन भेज दिया वो नहीं, मैं स्टार्टेड माई स्टडीज अगेन। और फिर उसके बाद जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और फिर सारी चीज़ें उसके साथ चलती रही और फिर मैं जॉब पे उस पर आ गया। वहाँ से मैंने फिर जब मैंने ज्वाइन किया कराची यूनिवर्सिटी एज टीचर डिपार्टमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, देन आई स्टार्टेड लुकिंग टूवर्ड्स माई सीनियर टीचर्स। आज से 5 साल बाद 10 साल बाद मैं किन की तरह हूँ, आई हैव ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके टॉप पे कौन है, मैं किसकी तरह हूँगा। बिकॉज देयर वर अराउंड 800 टीचर्स एट द यूनिवर्सिटी, सो भी तकरीबन इतने ही होंगे, तो उसमें सीनियर लोग हैं, मैं किन की तरह हूँगा अगर मैं आज से 15 साल बाद 20 साल बाद। आई स्टार्टेड लुकिंग माई सेल्फ इन दोज सीनियर टीचर्स कि मैं किन की तरह हूँ। मोस्ट ऑफ देम जिनको मैं जिनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ उन्होंने यहाँ से नहीं पढ़ा, उन्होंने उसके बाद बाहर से कुछ पढ़ा है। सो आई नीड टू गो आउट फ्रॉम हियर बिकॉज एक टेंडेंसी या कम्फर्ट जोन आप कह रहे हैं ये बन जाता है कि आप को सब सर सर कह रहे हैं और आपकी जब आगे पीछे घूम रहे हैं आप एलिवेटेड फील कर रहे हैं कि जब आप टीचर हैं और आप जिसको पास कर रहे हैं जिसको फेल कर रहे हैं जिसको जो पढ़ा रहे हैं तो आप बड़ा एक कम्फर्ट मिल रहा होता है आपको, तो उसी में मैं स्टेक रहा हूँ, पैसे भी आप कमा रहे हैं, वाह वाह भी आपकी हो रही है, तो बस यू स्टे देयर दैट पोजिशन। ऐसे नो, ये सिर्फ वक्त ही होगा, इफ़ आई वॉन्ट टू ग्रो मुझे जो है वो कोई चीज़ एक्स्ट्रा करनी चाहिए। देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर कि मैं बाहर जाऊँ पढ़ने के लिए। आई वॉज द सेकेंड, दूसरे नंबर पर घर पर हूँ, मेरे पास भाई और नीचे फादर को मैं ये नहीं कह सकता जो मुझे जो है वह पैसे दें ताकि मैं पढ़ने जाऊँ, इसलिए जो है वो पहले ही एक फैसला मैं वो कर चुका था जो मैं अपनी मर्जी से कर चुका था। तो आपने आपने जॉब छोड़ी बीच में और आपने MPA स्टार्ट किया, उसके बीकॉम पार्ट टू मैंने दिया, जो बीकॉम पार्ट वन की बात कर रहा था। हाँ, उसके बाद आप चले गए थे। उसके बाद मैंने बीकॉम पार्ट टू किया, देन उसके बाद मैंने साथ में ICU में एडमिशन लिया और वो मेरे साथ चल रहा था। देन आई रियलाइज सीमा भी मैं साथ ही साथ उसमें किया हुआ था, उसका स्टेज वन जब हो गया सीमा का स्पेशली, तो मैंने स्टेज टू की तैयारी कर रहा था। देन आई रियलाइज कि मैं शायद खुद से नहीं कर सकूँ, आई नीड सम काइंड ऑफ लर्निंग। फिर मैंने MPA में एडमिशन लिया जब स्टेज टू में था और ICU में स्टेज वन था। अच्छा, आप साइमल्टेनियसली चला रहा था उसको, इसलिए उसमें तो मुझे एक एग्जाम देना था, यहाँ मुझे जो है वो उसकी तैयारी करनी थी, मैं लाइब्रेरी जाता था। देन आई स्टार्टेड दिस BCom पार्ट टू अगेन, तो मैं कोशिश मेरी होती थी मैं सुबह निकलता था और लाइब्रेरी में बैठ के सिर्फ पढ़ रहा होता था और रात में 10, 10:30, 11 बजे आना ताकि जो किसी से ज़्यादा मेरी इंट्रैक्शन ना हो और मैं बस अपने आप को वापस से वो प्रूव करूँ कि मैं चाह रहा था मैंने वो कर लिया। तो उस चक्कर में जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम शहर की मैं शायद ही कोई लाइब्रेरी होगी जहाँ मैंने जाके नहीं पढ़ा। अच्छा, तो वो एक मेरे लिए बड़ा टफ टाइम वो था जहाँ पे अपने आप को वापस से रीग्रुप करना है। यू हैव जो आपने एक फैसला किया वो फैसला गलत हो गया, उस फैसले को आपने सही करना है, तो सही होने तक का जो टाइम है वो बहुत टफ टाइम था। And how was the reaction when you left the job, parents का? कि पहले ये BCom वाला मसला हुआ है और अब जॉब भी छोड़े हो, तो वो ये सारी लोग उसमें कोशिश मेरी होती थी कि मैक्सिमम टाइम स्टे इन द लाइब्रेरी, मैं उस होता हूँ जब सब सोने की तैयारी पे हूँ या सोने रहता हूँ, फिर चुपचाप से आऊँ खाना खाऊँ सो जाऊँ, ज़्यादा मेरी इंटरेक्शन किसी के साथ भी ना हो ताकि जो है वो डांटना पड़े और रियलाइज ना कराए कि आपने ये फेल किया। बट यू नीड
एट द बॉटम ऑफ योर हार्ट कि आप कर सकते हो, आपने करना है, ऐसे कि जो सही आपने सुना, ये फैसला आपने गलत किया था उसको आपने सही किया, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मेरे लिए लेसन ये था कि बिफोर दैट आई यूज टू बी वेरी जैसे कहने के लिए वो स्टबर्न कि मैंने अपनी चीज़ को करनी है, मैंने करनी है और मैं कर सकता हूँ. आई यूज टू अंडरमाइन अदर्स अदर फैक्टर्स जैसे आप कहते हैं लोगों की एडवर्क, मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं था. तो शायद वो लेसन अल्लाह ताला ने देना था कि जो है वो आपको चीज़ों को बैलेंस करना होता है, कहीं पर आपको जो है वो चीज़ों को कन्विंस कराना पड़ता है और कहीं पर कन्विंस होना पड़ता है. और हर चीज़ में, चीज़ में आप लाइफ में जिस भी स्टेज पे हों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है वो बैलेंस ही बनता है, आपने किस तरह से चीज़ों को बैलेंस आउट करना है. जहाँ पे भी बैलेंस ज़रा से भी डिस्टर्ब होगा चीज़ें आपकी जो अफेक्ट होंगी. और सर आपने जैसे अब अगर फॉर एग्जांपल यू डिडंट गेट गुड मार्क्स इन बीकॉम या जो भी था उसमें, तो ये फेलियर्स या ये सिचुएशंस भी एट टाइम्स बाय लक होती आपको रीडायरेक्ट करने के लिए, अल्लाह ताला का निज़ाम है. अगर आप बिकॉज़ यू आर हियर यू नो, शायद आप फिर कहीं और होते, तो अगर वो सिचुएशंस लाइफ में आती हैं, सो वी शुडंट बी लाइक गेटिंग डिसअपॉइंटेड आउट ऑफ इट एंड वी शुड बी लर्निंग आउट ऑफ दो सिचुएशंस, और साथ साथ फिर अल्लाह की मर्ज़ी समझकर आगे बढ़ना चाहिए. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती. जैसे था ना कि हज़रत इमाम हुसैन सिंह जी ने पूछा था कि जो है वो इंसान कितना जो है वो खुद मुख्तार है या कितना जो है वो कन्फाइन है, बंधा हुआ है. उन्होंने कहा कि एक पैर उठाओ अपना उठा लिया, कहना दूसरा पैर उठाओ दूसरा पैर तो नहीं उठा सकता. तो आप इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं और कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते, आप चाहते हो भी नहीं कर सकते. तो वो चीज़ें ऐसी हैं कि जो है वो आप के हाथ में इख्तियार में जो चीज़ें आपको करनी चाहिए, पर जहाँ पे आप अल्लाह ताला आपको सही डायरेक्शन में डालना चाहता है वो आपके लिए वो रास्ते बनाता है कि जो है वो आपको चीज़ों को समझ देते अंदाज है. फैसला करके देखना ज़रूर चाहिए कि क्या होता है. हाँ, लेकिन अगर उस पर आपने सही नहीं हुआ तो उसको रेक्टिफाई के लिए भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़े. तो इसलिए जिस वक्त फैसला करें तो उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें. यंग एज पे जो होते हैं स्कूल कॉलेज में, उस वक्त इतने प्रोज एंड कॉन्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो उस वक्त गलत फैसला हो सकता है. बट देन यू हैव टाइम एंड एनर्जी एट दैट टाइम एज वेल कि आप उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हो, उसको सही भी कर सकते हो. उस पर डिसहार्ट हो गए या उस पर डिसअपॉइंट हो गए या चीज़ों को छोड़ देना या कम्फर्ट जोन में रहना, वो आपको अंडरमाइन करता है. एक चीज़ जो मेरे फादर हमेशा से कह रहे हैं, लाइफ में स्ट्रगल आपको एक टाइम पर करनी पड़ती है. अब ये आपकी चॉइस है, आप उसको अर्ली स्टेज पे करोगे या लेटर स्टेज पे करोगे. अर्ली स्टेज पे आपके पास एनर्जी है, आपके पास टाइम है, आप चीज़ों को फेस कर सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो. लेकिन अगर उस वक्त आपने वो स्ट्रगल नहीं की, आप उस वक्त कम्फर्ट जोन में रहे, उस वक्त आप चीज़ें की, तो लेटर स्टेज पे आपके पास जो है वो जिस वक्त स्ट्रगल करनी पड़ेगी उस वक्त आपके पास एनर्जी भी कम होगी, टाइम भी कम होगा और आपके पास जो करने को कुछ नहीं होगा. और सर अर्ली स्टेज पे अगर आप कर रहे होते हैं तो फिर आगे की जनरेशन के लिए भी आप यू नो एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट वो कर लेते हैं. बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए कि जो है वो जब आपके पास चीज़ें स्ट्रगल करने का टाइम ही वही है जहाँ पर आप कर सकते हैं, उसके बाद चीज़ें आपके लिए सही जगह पर फॉल होना शुरू होती हैं. लेकिन अगर आपने सही टाइम पर सही फैसला सही स्ट्रगल जो करनी थी या जो एफर्ट करनी थी वो नहीं की, तो फिर आपको लेटर स्टेज में उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, आप ऐसा नहीं अचीव कर सकेंगे जैसा आप कर सकते. तो ये जो एजुकेशन की जर्नी रही है काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है, और एंड इनडीड दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि ये जो डिसीजन होता है ना छोड़ देने वाला, वो अक्सर लोग नहीं ले पाते. और डिसीजंस में आपने जैसा कहा ना कि लेकर देखना पड़ेगा, तो ये तो सर ये बहुत डरते हैं सब लोग. और अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम ऑल्सो वेरी अफ्रेड ऑफ दिस थिंग कि अगर गलत हो गया डिसीजन तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. लेकिन अगेन आई थिंक दिस इज़ द ब्रेवरी विच एक्चुअली टेक्स यू फार. ये गारंटी किसी की बात की नहीं है कि फैसले सारे सही होंगे, ये गारंटी किसी की बात की नहीं है. द ओनली थिंग यू हैव विद यू इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, कि वो सिचुएशन क्या है, उसके आगे एक स्टेप आगे दो स्टेप आगे क्या चीज़ हो सकती है, वो आप फोर्स करने की कोशिश करना चाहिए आपको कि ये मेरा फैसला इससे अगला क्या होगा और उससे अगली क्या चीज़ क्या कॉन्सिक्वेंसेज बन सकते हैं या क्या सर्कमस्टेंसेस बन सकते हैं. मोस्ट लाइकली ऑब्वियसली यू कैन नॉट टेल फ्यूचर, यू हैव नो आइडिया जो आप फैसला करें बाकी वो सही होगा. लेकिन आपकी इंटेंशंस ठीक होती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो तो फैसले आपके उस पर सही हो जाते हैं. उसके बाद जो चीज़ बनती है वो आपकी एफर्ट है या दूसरी चीज़ें उसके बाद आती हैं. मैंने करेक्शनसी ज्वाइन
कर लिया था मैंने इसके आगे मैंने स्टार्ट लुकिंग फॉर माय सीनियर्स, तो मैं किसकी तरह अपने आप को देखता हूँ मैं आज से 10 साल बाद 15 साल बाद व्हाट वुड आई डी, देन आई रियलाइज मुझे बाहर जाना चाहिए। आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट, एच ई सी की स्कॉलरशिप थी, ग्रेजुएट्स की स्कॉलरशिप थी, उसके लिए था कि पहले आप एडमिशन और साइज से प्रोसेस स्टार्ट करें। आई स्टार्टेड इट बट देन उस साल वो नहीं हुआ, लेकिन मेरा एडमिशन हो चुका था। तो फिर मैंने अपने टीचर से उनसे मैंने कहा कि मैं तो जाऊँगा, कहने के नहीं उस पर जो है तुम अगले साल या दूसरी बात चले जाना। मैं अच्छा मैं इसलिए बात उनसे डिस्कस की थी कि जो स्कॉलरशिप कमेटी के जो हेड थे वो वही थे, उन्होंने मेरे मुझे नहीं किया उनका बात नहीं करते। मैंने साहब मुझे कह रहे थे आपको पता है कि मुझे जाना है, मैं चार साल इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं कह रही हूँ अगले साल देखेंगे। मैंने कहा मैंने एडमिशन ले ली एंड आई विल गो। ये उसके साथ इंटरेस्टिंग बात ये है कि 3 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। अच्छा ओके। तो उसमें जो है वो अब मेरे पास स्कॉलरशिप का चांस आगे जाके था, मैंने कहा आगे जाके बच्चे हो जाए ये हो जाए तो जो है वो शायद मैं फंस जाऊंगा, फिर मैंने जा नहीं सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी चक्कर में फिर मैंने वाइफ से बात की, मैं जो मैं गाड़ी उसको गाड़ी हम सेल करते हैं ना गो फॉर इट, वापस आके जो है वो गाड़ी दोबारा ले लेंगे, लेकिन ये टाइम दोबारा शायद मेरे पास नहीं आ सकेगा मैं उसको जाके स्टडी कर सकूँ बाहर से। एंड आई एम थैंकफुल टू अदर वाइफ सपोर्टेड, 100% सपोर्ट उसको देना, ठीक है आप सोच कर लें। फादर की तरफ से मदर की तरफ से वैसी सपोर्ट थी कि हमेशा से एक ड्रीम था कि बाहर पढ़ने जाऊँ और ये चीज़ें कि हम 4 साल से फिर हो गए, मैं कहा ठीक है। वाइफ की तरफ सपोर्ट है, लकीली ये भी रहा कि उस पूरे टाइम मैं स्टडीज के लिए बाहर रहा, फिर आई यूज्ड टू बी विद माय फैमिली, तो मुझे उसमें भी इसमें ना रहा कि उसने वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये हो रहा है ये हो रहा है ऐसे हो रहा है, तो वो मेरी मदर और मेरी वाइफ दोनों ने इस वाले से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि वो सारी चीज़ें जो मेरे पास कोई प्रॉब्लम जो वहाँ पर फेस करने को नहीं मिली इस सच के मुझे फैमिली से ही मसला आ रहा है। इंस्टा बाहर मैं पढ़ने के लिए वहाँ पहुँच गया, तो मेरा एडमिशन हुआ था कास्ट बिजनेस स्कूल में। फीस लेके तो फीस उसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी उस वक्त, और उसमें स्कॉलरशिप का रोल नहीं था, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था आई वाज थिंकिंग स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो कर लेंगे उसको, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँच गया ये अंदाज़ा हो गया कि ये फीस तो बहुत ज़्यादा है जो मैं अपने उस पर नहीं कर सकता। एंड जो गाड़ी बेच की जो मैंने पैसे पास लिए जो सेविंग पास की वो हार्डली जो है वो कास्ट बिजनेस स्कूल के आधा सेमेस्टर की फीस बनती थी। मैंने कहा ये तो मैं शायद नहीं कह सकूँ, आ तो गया हूँ। एंड वन मोर थिंग, जिसमें मैं जा रहा था तो मुझे जो मेरे सीनियर टीचर्स ने कहा कि इस तरह से जा रहे हैं ये 3 महीने से ज़्यादा वहाँ टिक नहीं सकते, ये वापस आ जाएंगे। ओह क्यों? बिकॉज़ द अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व और जो स्ट्रगल है फिर शादी के फौरन बाद जाना और वहाँ सेटल होना, ये नहीं कर सके ये वापस आ जाएगा। तो सर जिस टाइम आप वहाँ पे थे लाइक फाइनेंशियली कौन सपोर्ट कर रहा था फिर वाइफ को? उसमें आज तो जब मैं वहाँ पहुँच गया अब उसके बाद जो है वो नाउ आई हैव टू वर्क और उसके साथ पैसे भी करने हैं और जो है वो चीज़ें उस पर कहनी है। क्रैशनोस्टिक से ये सपोर्ट रहा कि जब आप स्टडी लीव पे जाते हैं तो आपको जो है वो बेसिक सैलरी आपकी मिल रही होती है, तो यहाँ पे जो है वो वाइफ के लिए मुझे पैसे भेजने का इतना इशू नहीं था। अब मुझे जो कुछ करना है मुझे खुद सर्वाइव करना है और अपनी फीस पे करनी है, तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर यूनिवर्सिटीज वेयर आई कैन अफोर्ड द फी। फिर मैंने फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में एक यूनिवर्सिटी फीस मैंने फाइनल की, इससे कि उसकी फीस रिलेटिवली कम थी और उसको मैं आसानी से अफोर्ड भी कर सकता था। और उसके बाद जो है वो मैंने जो सस्ती यूनिवर्सिटी में घर के जहाँ मैं लंदन रह रहा था उस घर के डिस्टेंस नहीं था, तो मुझे ट्रैवलिंग कॉस्ट भी मेरी जो है वो उस पर कवर हो सकती। वहाँ पे दो ऑप्शंस फिर मैंने लोगों ने कहा कि जितने पैसे हैं अभी ना करें, आप पहले जॉब करके पैसे सेव कर लें और उसके बाद पढ़ लें। मैंने कहा नहीं काम मैंने नहीं करना, इसलिए जो है अगर मैंने पैसे सेव किए तो आई हैव अ जॉब, जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे मैं कहूँगा वापस जाऊँ और वापस जाके जो है वो पैसे जो कहीं इन्वेस्ट कर दूँ और सही चीज़ करूँ। मैंने कहा नहीं मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, तो मैं सिर्फ फोकस मेरा उधर ही है। मैंने फिर ये किया कि जो मेरे पास पैसे थे उसमें फ़ायदा ये हुआ कि जो मेरे पास सेविंग और पैसे थे वो एक सेमेस्टर की फीस के लिए काफ़ी थे यूनिवर्सिटी स्थान, तो मैंने वो पैसे जमा करा दिए। पैसे पहले सेमेस्टर का पता था, आगे का फिर आगे का देखेंगे। मैं स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब, मुझे नहीं मिल रही थी, मैं बड़ा परेशान थी जॉब मिल नहीं रही है उस वाले से। तो मैंने मदर को फ़ोन किया, मैं बहुत
अब थक गया हूँ, इतनी जॉब मिली नहीं रही, वैसे नहीं हो रहा, रास्ते नहीं बन रहा। उन्होंने कहा कि परेशान ना हो, सब चीज़ हो जाएगी, घबराओ नहीं। लिटरली उनका फ़ोन बंद हुआ है और मुझे जो है वो कॉल आई ऑर्गेनाइजेशन से कि जो है वो आप हमारे पास आपने अप्लाई किया था तो हम आपको जॉब ऑफर कर सकते हैं, आप ज्वाइन करना चाहेंगे। मैं बिल्कुल ज्वाइन करना चाहूँगा। उनका टाइमिंग जो है उसकी जो है 5:30 बजे से सुबह और 8:30 बजे तक। मैंने कहा बिल्कुल आई गो फॉर इट। लोकेशन उन्होंने बताई, मैं उस वक्त मेरी रिहाइश ईस्ट लंदन साइड पर थी और वो लोकेशन जो थी वो वेस्ट लंदन। मेरे साथ में रूममेट भी था। कहना है कि आपने ओके तो कर दिया, जाएंगे कैसे, इसलिए कि यहाँ ईस्ट में आप हैं और वेस्ट में जाने के लिए आपको 5:30 बजे सुबह के लिए पहली ट्रेन लेनी पड़ेगी जो 5 बजे चलती है। ओके। मैंने कहा कि चला जाऊँगा, कोई इशू नहीं है। कहना है कि जो है वो फिर आपको यूनिवर्सिटी वापस ईस्ट पर आना पड़ेगा तो आपकी ट्रैवलिंग तो नहीं बन जाएगी। मैंने कहा कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो कहना ठीक है। मैंने कहा ओके, कोई जॉब मेरे पास होनी चाहिए। तो खैर स्टार्ट करिए। उस ऑर्गेनाइजेशन में एडवांटेज ये था कि वो हाईएस्ट परार जो है वो रेट वो देती थी उसकी जॉब। मैंने कहा इसलिए मेरी मिले ओके, ठीक है थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग। और दूसरे दिन या तीसरे दिन मेरे पास कॉल आई एक और ऑर्गेनाइजेशन से कि जो है वो आपने अप्लाई किया हुआ था, हम आपको जॉब ऑफर करेंगे। वो जो है ईस्ट लंदन में साइड पर थी, नॉर्थ ग्रीनविच में। वो टाइमिंग उसकी थी 5:00 बजे से 11:00 बजे तक। मैंने कहा मैं करूँगा। अच्छा आप दोनों चला रहे थे? दोनों जॉब मैंने ओके कर दी। तो क्योंकि मेरी अपनी सेविंग सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो मुझे अपनी सेविंग अर्न करनी थी और बीच में मेरे यूनिवर्सिटी का टाइम था, मेरे साथ जो रूममेट और घर में जो उन्होंने दिया हुआ था साथ जो लोग, कहने से नहीं हो सकता, इंसान है मशीन नहीं है। कहने के मेरे पास टाइम नहीं, क्या बीमार पड़ जाएंगे। मैंने कहा कि मेरे पास जो कुछ है वो यही टाइम है, इसलिए जो मुझे टाइम वो नहीं कर सकता। और वो अल्लाह ताला का कहना ऐसा हुआ कि चीज़ें जो हैं वो सही उसमें फॉलन होती थी। मैं सुबह 5 बजे निकलता था, 5:30 से 8:30 यूनिवर्सिटी या फिर 9 बजे जॉब की, फिर 9 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचा, वहां से 4 बजे फ्री होकर जो है वो 5 बजे दूसरी जॉब पे पहुंचा, वहां से 11:30 बजे तक जॉब की, फिर 11:30 से 12:30 बजे तक घर पहुँचे, सोए सुबह उठ के फिर जो है वो। एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स वर दे? जो मेरी मॉर्निंग वाली जॉब थी वो न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स वो स्टोर टेस्को स्टोर है और उसमें जो है वो उनका कॉर्नर था, उसमें उसको डिस्प्ले करना, उसका ऑर्डर देना, उसको ऑर्डर को रिसीव करना, जो सेल नहीं हुआ उसको वापस रिटर्न करना, उसकी समरी बनाना, वैसे सारी चीज़ जो ये करना होता था। तो इसके लिए सुबह सुबह अच्छा रीडिंग हैबिट्स वहाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा, तो हर कोई न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते हैं, मैगजीन ज़रूर पढ़ते हैं, और बुक्स वगैरह लॉन्च हो रही हैं या मूवीज़ लॉन्च हो रही हैं, वो सारा कॉर्नर आपके आपके पास है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी जॉब इसलिए थी कि जो तमाम न्यूज़ में पता चलती थी कौन से मैगजीन आ रहे हैं, पढ़ने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ जो साथ साथ अपना जो कहना पड़ता, तो वो उस कॉर्नर को आपने सारा जो मैनेज करना, तो वो एक अच्छी जॉब थी। वहाँ से फिर मैं जब यूनिवर्सिटी पहुँचा तो जो है वो रास्ते में कुछ भी ऐसे जो है वो चलते फिरते अपने खा लिया, वहाँ पहुँच के बेसिक था टाइम जो है बहुत कंस्ट्रेंट थी, आपको जल्दी जल्दी सारे अपने काम करने रास्ते में। तो वो मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती थी, यूनिवर्सिटी में क्लास के टाइम पे जो भी टाइम मिलता था वो हम लाइब्रेरी और लैब्स वगैरह में। वर यू कुकिंग फॉर योरसेल्फ? सारे काम आपके पर्सनल काम भी तो आपको करने पड़ते होंगे। वो सब जो है वो वीकेंड पे जो टाइम मिलता था उसमें ये सारे काम उसमें कुकिंग के लिए ज़्यादा इशू इसलिए नहीं बनता था कि जो चीज़ होती थी वो चलते फिरते खाते पीते आप चले जाते रास्ते में खा लिया। ओके ओके। कहीं से जूस ले लिया, कर लिया कहीं पे जो सैंडविच ले लिया चले गए। तो वो अच्छा इत्तेफाक की बात ये है कि जो फिर मेरे साथ जो हम लोग स्टूडेंट सारे रह रहे थे उनमें से जो है वो 2 कराची यूनिवर्सिटी के थे। अच्छा ओके। वो वैसे पहले से जानते थे उन्होंने कि जो सर आप परेशान हो आप हम आपके लिए जो मेरे हिस्से के काम होते थे जैसे रूम की सफाई है या जो है वो लॉन्ड्री है या दूसरी चीज़ें वो लोग करते थे, आप परेशान हो सकते। तो वो सपोर्ट अल्लाह ताला ने वैसे दी उनके, उसके अगेंस्ट ये होता था कि वो उनके जो असाइनमेंट्स वगैरह होते थे वो उनकी में बनाए देते थे उनको। ये अच्छी सपोर्ट है काफ़ी। तो ये दूसरे के उसमें चीज़ें मैनेज हुआ थी। और शाम वाली जॉब? शाम वाली जॉब मेरी जो थी वो मेरी स्टार्ट तो थी बहुत ऑड सी थी। उसमें था कि मुझे जो है वो स्टोर था एक डिपार्टमेंटल स्टोर, उसमें चीज़ों को जो उसमें सेल पॉइंट पे लोग लेके आते थे उसमें जो रिटर्न वापस रखना पड़ता था शेल्फ।
तो आई स्टार्टेड दैट। उसके बाद जो है वो इनिशियली उन्होंने मुझे सिर्फ 4 घंटे की जॉब दी थी वीक में। तो शुरू में मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं हुई, तो आई यूज टू स्टे टिल एंड में। तो मेरे पास मैनेजर आया कि नहीं आपको एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा क्यों कह रहा हूँ, वी विल नॉट पे यू एनीथिंग एक्स्ट्रा, जो हमने 4 घंटे गए हैं डिड आई आस्क फॉर इट, पर आ रही देंगे जो है आपका उस पर ही मिलेगा, नो इशू, बिकॉज आई हैव नथिंग टू डू एट होम, फ्री हूँ तो मैं पे कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसा उस पर होता नहीं, मैंने कहा कि हम चूँकि साथ जाते हैं और भी जो हमारे थे वहाँ पे स्टूडेंट्स वो भी कुछ कह रहे थे, उनके साथ ही फिर वापस कहीं भी साथ ही वापस जाना, तो मैं घर जाके कुछ तो आई वॉज वर्किंग एक्स्ट्रास, लेकिन उसको पेमेंट वगैरह पहले वीक की सैलरी दूसरी वीक की सैलरी मिली, आई नेवर कंप्लेन की मुझे जो है मैंने इतने घंटे काम किया हुआ इतने वो 4 घंटे में, तो उसमें कहने कि जो तुम एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हो, बताया कि मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, घर जाके कुछ करने को ऐसा अच्छा नहीं है। देन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि मैं क्या कर रहा हूँ, एंड देन जब उसको ये पता चला मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था यहाँ पर जाके ये कर, तो उन्होंने ये इस पर तो बड़ी उसमें अपना इंटरेस्ट उसने पूछना शुरू किया क्या पढ़ने कैसे है और वहाँ पे क्या है और चीज़ें क्या हैं। फिर उसने मेरे जो है वो जॉब चेंज की, फिर उसको जो है उसमें काउंटर पे किया, और फिर जो उसकी कैश रिपोर्ट बनती थी पूरे उसकी वो उसने दिया, लेकिन तकरीबन 2 महीने के बाद। तो वो उसने मुझे बाद में ये बताया कि हमने पूरा 2 से 3 हफ्ता मॉनिटर किया कि आप करते क्या हो चीज़ें यहाँ पर, जिस तरह कहते हो क्यों एक्स्ट्रा कर रहे फलाना कर रहे हो, एंड देन वी रियलाइज कि जो है वहाँ हमें जो वो ऑनेस्टी और साइज सिंसियरिटी नजर आई अपने काम के साथ, दे गिव मी दैट दैट टास्क। वो सब मेरे ऐसा लगता है कि जो वालदेन थी और लोगों की दुआएं थी, जो चीज़ें खुद ब खुद सही जगह पे फॉल करती हैं, और उस पर जो है वो मुझे सपोर्ट ही मिला कि मैं अपनी फीस के लिए पैसे एक्यूमुलेट कर सकूँ। उस दौरान बहुत टफ इस हवाले से था कि जो आप सुबह 5 बजे लेने के लिए आपको घर से 4-5 बजे निकलना, सर्दियों में जो है बर्फ पड़ी हो या ठंड हो। सर शुरू में तो मोटिवेशन रहती है ये सारी चीज़ों के लिए, 8-10 दिन भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, दूसरे तीसरे दिन होता है यार चलो अब टाइम निकाले छुट्टी कर लेते हैं या एक जॉब कम कर लेते हैं, तो वो सर डीमोटिवेट या कभी नहीं है। यू हैव सो मच एट स्टेक, तो आपको जो है वो नहीं करना पड़ता, यू हैव मेड अ डिसीजन कि आपने आके पढ़ना है या आपका अपना फैसला था। You had gone through a bad decision previously. आपको ये भी justify करना था कि you always have this कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, तो इसलिए वो failure का option नहीं है। फिर लोगों ने ये कहा कि 1 महीने 3 महीने वापस आ जाएगा, तो वो again गलत proof करना है उनको भी करना है। फिर आपके पास ही एक chance मिला है, if you lose this one you won't be getting second chance, you have to make most of it. तो इसलिए वो कीप ऑन मोटिवेटिंग टाइम्स जब आप कह रहे हो तो आपको फील होता है कि जो वो नहीं क्या फ़ायदा वहाँ पे जॉब तो है, बट देन वो जॉब की क्वालिटी क्या होगी अगर मैं वापस चला गया तो, और फिर आप बाकियों से अलग कैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आपके पास स्टेक पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आपको सब फिर सोचने का भी मौका नहीं हुआ कि जो है वो नहीं मैं छोड़ दूँ और वापस चला जाऊँ। ऑलवेज हैव टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं सही हूँ। एडवांटेज इस हवाले से था क्योंकि मेरी जॉब टीचिंग की साइड पे ही थी और मैंने उसी फील्ड को परसू किया था, तो जो क्लास में डिस्कशन हो रही थी आई वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ द डिस्कशन, क्योंकि वो चीज़ें मेरे पास हैंग में ऐसे मैंने ये चीज़ ऐसी होती है ऐसी होती है ऐसी होती है, तो आई कीप ऑन डिस्कसिंग विद मैं टीचर्स क्योंकि हाँ ठीक है इसको कुछ पता तो है इसको ये बात तो कह रहा होता चीज़ों के बारे में, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल था कि मेरी यूनिवर्सिटी की जो टीचिंग थी उसका इफेक्ट ये हुआ कि मुझे यूनिवर्सिटी की जो टाइम था उसमें मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता था कि ये चीज़ें जो भी डिस्कस हुई मैंने की हुई हैं या मुझे पता है उनके बारे में उसके बारे में बात कर सकता हूँ। लेकिन सर आपको पढ़ने का टाइम तो मिलता नहीं होगा, फिर आप दो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, इसलिए जो है वो क्लास में डिस्कशन होती थी, बहुत रिगरस डिस्कशन हो जाती थी, और उनके हवाले से जो है वो चूँकि मेरे पास जो पहले लेक्चर में पढ़ा रहा था उसमें मैं लेक्चर्स बनाता था सारे, तो उनके हवाले से मेरे पास नोट्स पहले से मौजूद बने हुए थे, तो उसमें सिर्फ असाइनमेंट्स के वाले से आपको जो एक्स्ट्रा टाइम लगाना है। तो आपने सोचा वहाँ भी ट्यूशन दे के मैं पढ़ा के? बहुत बड़ी इंक्लिनेशन ये थी कि जो है वो बहुत से पाकिस्तानी से इंडियंस इनके कॉलेज से जहाँ पे मैं जाके पढ़ा सकता था, लेकिन मेरा ये फैसला डेलिबरेट था कि मैंने कॉलेज में ट्यूशन मैंने नहीं पढ़ानी, इसलिए कि अगर मैंने भी वही किया मेरा एक्सपोजर जो है वो फिर लिमिटेड रह जाएगा। इसलिए जो मैं जॉब्स ढूंढ रहा था वो इसलिए ढूंढ रहा था कि टीचिंग के अलावा जॉब, टीचिंग के अलावा टीचिंग नहीं होनी चाहिए, वरना कितना इजी था आप जाते और पढ़ाना शुरू कर देते। तो वो मेरे लिए आसान था कि यूनिवर्सिटी टीचिंग के वाले से जो है वो वहाँ पे ऑप्शन थे जो मैं पढ़ा सकता था, लेकिन फिर मेरा एक्सपोजर लिमिटेड होता, फिर एक क्लासरूम से निकल के दूसरी क्लासरूम में जाके बैठ जाता,
आई नेवर वॉन्टेड टू टीच देयर, नहीं मुझे पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने वाली चीज़ ही है। तो क्लास फेलोज जो थे उनको मैं कोई भी टॉपिक होता था उसमें उनको साथ डिस्कस कर लेते पढ़ा लेते, तो वो काफ़ी था। लेकिन अगर मैं उस पर पढ़ाने भी जाता था तो मेरा एक्सपोजर लिमिटेड होता। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरी पहली जॉब लकीली वो मिली जहाँ पर मुझे जो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मूवीज़ हैं, के नॉवेल्स हैं, इन सबको मैनेज करना है, तो ऑटोमेटिकली मुझे वेयर अबाउट के व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, उस जगह पे हो क्या, एंड सिटिंग इन लंदन आपको सारी चीज़ें पता है कि दुनिया के हवाले से सारी चीज़ें पता रही, फिर हर तरह के लोग आपके पास आ रहे हैं। और ये दूसरी जॉब पे भी ऐसे ही था कि हर जगह के लोग जो हैं, कोई स्वीडन से आ रहा है तो कोई फ्रांस से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, एंड यू इंटरेक्ट विद देम, तो आपके एक्सपोजर जो है वो लाइफ के हवाले से जो है वो बिल्कुल चेंज हो। और आपकी एज क्या थी तब? मैं गया था उस वक्त 28 थी। 28 सर, इस एज में बड़ी मुश्किल है ये चीज़ कि लोगों की ये सोच हो, ईजिली एक जॉब मिल रही है और उसका एक्सपीरियंस भी है और बिकॉज आपको ज़रूरत है इनकम की, अर्निंग की, तो आप वो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये विजन रखना कि सिंस मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे एक अच्छा एक्सपोजर चाहिए, एंड फॉर दैट आई वोंट बी गोइंग फॉर दिस ईजी ऑप्शन, आई बी गोइंग फॉर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, चाहे कितना वक्त लगे, और उसमें वक्त लगा आपको। बिल्कुल, मैंने कहा अगर मैं उसको पहले कहा कि हमेशा आपको ही देखना पड़ता है कि आपका ये फैसला उससे अगला फैसला उससे अगला फैसला क्या बनेगा, आपको वो सीक्वेंस बनानी पड़ती है जिसमें ये देखते रहे कि जो अगले 15 साल बाद 10 साल बाद मैं किसकी तरह किसके शूज़ में होऊंगा, वो चीज़ आपको जो है वो गाइड करती है कि आप जो हैं वो अपने फैसले जो हैं वो उसके ऊपर स्टिक रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हैं, आपने सोच लिया उसके बारे में कैसे होगा, 15 साल बाद मैं किसकी तरह अपने आपको देखना चाहता हूँ, तो फिर वो आपको अपना ट्रैक पता होता है कि मैंने इसी ट्रैक पे रहना है और मैंने ये ट्रैक बहुत सोच समझ के लिया है। इसके अगेंस्ट ऑब्वियसली हर्डल्स भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी होंगी, वो सारी चीज़ें, कंफर्ट जोन भी जिसमें आपको फील होंगे जो वो आप कहीं पे कंफर्ट ले रहे हो, कहीं मेरी कोई इशू नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि मेरे लिए बहुत आसान इस वजह से कि पैसे जमा करता और खैर उस वक्त फील करता कि जो पैसे तो आ गए, बाकी इन्वेस्ट कर लो, बाकी चीज़ें हो जाएंगी, बट देन यू वॉन्ट बी हैविंग दैट थिंग विच यू हैव स्टार्टेड फॉर, वो आप चीज़ आपको नहीं मिलती, तो बीच में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको जो चीज़ें आपने प्लान की हैं वो प्लानिंग के वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें सोच लेनी चाहिए कि आगे क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए और क्यों चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमेशा, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ऐसे भी, मोस्ट ऑफ द टाइम हम हर्डल्स और प्रॉब्लम्स को देखते हैं, लेकिन प्लानिंग करते वक्त आपको उसकी सक्सेस की तरफ देखना चाहिए, उसकी अचीवमेंट की तरफ देखना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं उसके थ्रू। जब आपके पास वो क्लियर है कि आपको ये चीज़ चाहिए, प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को फिर ना देखें, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी मेरे अपना मानना है इतनी बड़ी नहीं होती कि आप ये उस अचीवमेंट को रोक सकें। प्रॉब्लम से बड़ा हमेशा सोल्यूशन होता है, वो सिर्फ हिडन होता है, आपको उसको सिर्फ एक्सप्लोर करना होता है। अगर आपने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया सोल्यूशन को, तो प्रॉब्लम्स कभी भी आपके पास पड़े नहीं होंगे। Working for 5 a.m. in the morning till 11 in the night, बहुत लंबा टाइम, वो सिर्फ अगर आपको क्लैरिटी हो कि आप चाहते क्या हैं। क्योंकि सर आप प्रॉब्लम्स देख के पहले ही डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन उसके आखिर में आपको जो मिल रहा है अगर वो आप याद रखें हर रोज़ तो आप मोटिवेटेड रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, और आपको फिर उसमें प्रॉब्लम लाइफ है, प्रॉब्लम होंगे, लाइफ है, स्ट्रगल होंगे, लाजमी उसका तो लाजमी पार्ट ही है। इसलिए कि जितने लोगों से आप मिलते हैं, जितने सर्कमस्टांसेस सिनेरियो सिचुएशंस आप गुजरते हैं, तो प्रॉब्लम्स तो होंगी, हर कोई आपके मर्जी के हिसाब से आपके हिसाब से नहीं मूव करता, तो अपने हिसाब से मूव करेगा, तो आपके लिए चीज़ें जो हैं वो वैसी नहीं हुई जैसे आप सोच रहे हैं, बट देन यू हैव टू कीप ऑन फाइंडिंग इसमें सिर्फ बाहर निकलना कैसे है, अल्टीमेटली वेयर यू वॉन्ट टू रीच, वेयर यू वॉन्ट टू रीच आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ मैंने पहुँचा है। अब उसके रास्ते दाएं बाएं आगे पीछे हो सकते हैं, एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता आपने कहीं ना खुला होगा, और जैसे हम कहते हैं हमारा तो जैसे बिलीफ है कि अगर एक रास्ते बंद करते हैं 10 रास्ते खोलता है, 10 रास्ते ढूंढने जाता है, ये ढूंढना तो हमारा काम। हाँ, ये इन इटसेल्फ पैगाम है कि प्रॉब्लम से बड़ी सोल्यूशन होती है। अगर प्रॉब्लम एक दरवाज़ा है जो बंद है, तो सोल्यूशन 10 दरवाजे हैं जो खुले हुए हैं, आपने उसको ढूंढना है। सो इंस्टेड ऑफ उस बंद दरवाजे के ऊपर ही खड़े रहें, try to find an alternate कि उसमें से आप कैसे बेहतर निकल बाहर निकल सकते। And who was that person जिसका आप कहते हैं कि मैंने सामने अपने टीचर्स को देखा and envision myself कि मैं अगले 10 साल के बाद यहाँ आऊँगा या इनके किसके जैसा होऊँगा, who motivated you for that?
इसमें किसी एक इंडिविजुअल के हवाले से मैं इस पर नहीं जाता। ऑलवेज ट्राई टू लुक द पॉजिटिव्स इन एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो कोई भी उस हवाले से मुझे नजर आए कि हाँ इसका जो है बात करने का अंदाज अच्छा है, इसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, इसकी ड्रेसिंग ऐसी है, इसकी कम्युनिकेशन ऐसी है, इसकी नॉलेज ऐसी है, यू टेक, क्योंकि हर इंसान में वो पॉजिटिव चीज़ होती है जो आप पिक करनी चाहिए, नेगेटिव भी होंगी उसको आपको इग्नोर करना चाहिए। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट, आपके लिए रास्ते खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाते हैं कि आपने उन पॉजिटिव चीज़ों को देखकर और चीज़ें उसके रास्ते आती हैं। तो मैं किसी एक इंडिविजुअल को वैसे नहीं देखूँ कि जो इसके वजह से जो एक मोटिवेशन जिसको आप कह लें उसमें सबसे ज़्यादा ये थी, मुझे पता था कि जो है वो मदर की जो है दुआई में साथ हुई, एंड आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम अ प्राउड सन ऑफ माई फादर, कि जो मैंने एक फैसला उनके अगेंस्ट उस पर किया था, आई हैव टू प्रूव कि मैंने उनको ये दिखाना है कि जो है वो मैंने उनके जो है वो चीज़ ये तो उस पर की, एंड दैट हैज़ अल्लाह ताला ने जो दिखाया भी कि जो है वो चीज़ अचीव हुई, एंड ई फील प्राउड कि जो है वो मैंने सर। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स हम पेरेंट्स के अगेंस्ट, मे बी वो गलत वर्ड हो, लेकिन होता है कि हमारे ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, तो वो डिसोबीडियंस में काउंट हो जाता है, होता है टेम्प्ररी बेसिस पे होता है, लेकिन अक्सर हम गलत नहीं होते। अब जैसे आपने कहा कि मैंने उनके अगेंस्ट जाके वो डिसीजन लिया था, या आपका डिफरेंट ओपिनियन था, आप डिफरेंट ट्रैक पे थे, वो टेम्प्ररी बेसिस पे तो शायद उनको हर्ट किया होगा, बट लॉन्ग टर्म में जब आपने खुद को प्रूव कर लिया, नाउ माशाल्लाह यू आर वेरी सक्सेसफुल, वी मस्ट बी वेरी हैप्पी सीइंग यू दिस सक्सेसफुल, तो वो सिर्फ एक्चुअली ये नहीं होता कि मेरा डिसीजन सही था, एक्चुअली आप ये भी प्रूव करते कि आपकी इंटेंशन सही थी। पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना कभी इंटेंशन नहीं होती, बिकॉज नॉट जस्ट फॉर यंगस्टर्स, दिस इज नॉट जस्ट फॉर यंगस्टर्स, फॉर देयर पेरेंट्स एज वेल, एंड आई रियली वॉन्ट टू गिव दिस मैसेज के जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं कि अगर आपके बच्चे किसी ट्रैक पे हैं, यू ऑल्सो नीड टू बी वेरी ब्रॉड माइंडेड अबाउट इट, कि मे बी दे आर ऑन द राइट ट्रैक, मे बी द कॉन्सिक्वेंसिस कैन बी गुड। जरूरी नहीं है कि जो पेरेंट्स बोल रहे हैं, पेरेंट्स गलत नहीं बोल रहे होते, बट एक इंडिविजुअल के जो इंटरेस्ट होते हैं वो उसे ज़्यादा पता होते हैं रादर देन किसी और के। अच्छा, ये थोड़ी सी चीज़ मैं इस पर कहना चाहूँ, पेरेंट्स से ज़्यादा आपके लिए जो सिंसियर कोई नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही, जो इंटेंशंस उनकी होती हैं आपके लिए, वो उनसे ज़्यादा सिंसियर इंटेंशंस किसी की नहीं हो सकती। जिस वक्त हम यंग एज में होते हैं उस टाइम पे हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती है, और उसको जो है वो हमें लगता है कि हम ही सही हैं, और उस वाले से जो हम फैसला करेंगे, जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं सोच सकते। बट वी टेंड टू फॉरगेट कि इस दौर से वो भी गुजरेंगे, एंड द ओनली थिंग दे वांट कि आप वो गलतियाँ ना करें जो उनसे हो गई हैं, या वो मिस अचीवमेंट्स ना हो आपके लिए जो उन्होंने फील की हैं, इसलिए बाज़ अवकात जो है वो उस अंदाज से उस चीज़ों को देख रहे होते हैं। वो जो एक इंसिडेंट जहाँ मैंने अगेंस्ट किया, उसके बाद से मैंने हमेशा कोशिश की, जैसा कह रहे भले वो गलत हो, ठीक है, गो फॉर इट, उसके बाद मैंने कभी इनकार नहीं किया कि आप ये कह रहे हैं ठीक है, मेरे हिसाब से इसको ऐसे होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं चले ठीक है, गो फॉर इट, थोड़ा सा करने के बाद अगर उनको लगता था कि बाकी वो सही कह रहे हैं, मैंने कहा ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इवन मेरी शादी हुई तब भी मैंने ये कहा था, मुझे नहीं देखना, जहाँ करना है जैसे करना है, दैट्स टोटली योर डिसीजन। और अल्टीमेटली होता भी है कि आपको उस इंडिविजुअल के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पड़ती है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स होती हैं, बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं, बहुत सारी सक्सेस होती हैं, वो सारी चीज़ें मिल के चलती हैं। तो उसमें चाहे मैं उसको देख के करूँ या पेरेंट्स देख के करें, अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें काम करेंगी जहाँ पर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रोमाइज है। आपकी अरेंज मैरिज थी? टोटल अरेंज। आपने देखा नहीं था सर? ये तो बहुत खतरनाक बात है। नहीं, कोई खतरनाक बात नहीं, दैट्स ओनली रिलेट्स टू ट्रस्ट, कि आपको अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट होना चाहिए, वो चीज़ जो करेंगे वो बेहतर होगा। और अगेन, चाहे आप खुद से पसंद करें या पेरेंट्स करें, जैसे कहा कि अल्टीमेटली इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट्स अबाउट कॉम्प्रोमाइज़, इट्स अबाउट टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो दोनों सूट में हम ये बिलीव करते हैं जिसको मैंने पसंद किया तो उसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा होता तो सारी लव मैरिज सक्सेसफुल होती हैं, ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी अंडरस्टैंडिंग है और सामने वाला कितना अंडरस्टैंडिंग है। जो फैसला आपके पेरेंट्स ने किया
वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में होकर आपकी मैरिज सक्सेसफुल होगी, आपके साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, इसलिए कि आपको आपके पेरेंट्स से ज़्यादा कोई नहीं जानता। सही बात है, आपके वो टाइम भी उनको पता है जिस टाइम का आपको होश नहीं है, तो इससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता आपको। हाँ, उसके साथ हम ये ले लेते हैं, अच्छा आपने की थी ना तो इसलिए ये हो गया। जो बंदा है उसकी अपनी एक सोच है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपने उसके साथ वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। सर वो फेलियर तो फिर क्या अरेंज मैरिज क्या लव मैरिज दोनों में होते हैं, तो असल चीज़ वो अंडरस्टैंडिंग और ना कि दूसरों को साथ लेके चलना, कॉम्प्रोमाइजेज और ये सारी चीज़ें साथ चलती हैं, उसके लिए ये एक अलग चीज़। तो मेरे केस में ये था, मैं कह अब जो फैसला करना है आपने कहना है, जैसे कहना है आई विल गो फॉर इट, कोई इशू नहीं है। सर आप अब तो माशाल्लाह आप खुद भी पेरेंट हैं एंड यू हैव किड्स एंड डॉटर्स, माशाल्लाह लवली डॉटर्स, तो व्हाट इफ सम टाइम आई डोंट नो इफ दे हैव रिबेल्ड अप टिल नाउ, बट व्हाट इफ दे रिबेल, हाउ विल बी योर रिएक्शन, व्हाट विल बी योर रिएक्शन उसके लिए? जैसे अभी भी मेरा अपना ये है कि आई टॉक टू देम, हम दोनों का सही हाल का हमेशा कन्विंस कर दो, कन्विंस हो जाओ बच्चों से बात जरूर करो, और उस पे जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाली बात है। जिस वक्त बच्चे को अगर आपने रिबेलियस वाली बात आप कह रहे हैं, हमने कोशिश हमेशा ये की बच्चों को जो कुछ सिखाना है वो उनको अर्ली से 5 years, 6 years, 7 years तक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उनके हवाले से वो डेवलप उनके साथ हो जानी चाहिए। मेरा इंटेंशन बाहर रुकने का भी इसलिए नहीं था कि जब मैं स्टडीज़ कर रहा था तो उस दौरान मेरी बड़ी बेटी यहाँ पैदा हुई, मैं उसको वहीं नहीं था, देन आई रियलाइज मुझे वापस जाना है। इवन दो कि उस वक्त मेरे पास जॉब ऑफर थी, जो मेरी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की कंसल्टेंसी फर्म थी, उन्होंने आज मुझे जो तुम यहाँ रुक जाओ और जॉब भी स्टार्ट यहाँ से कर लो। मैंने कहा ठीक है, आई स्टे फॉर 2 years, कहने 2 years नहीं फिर यहाँ पासपोर्ट नहीं रुकना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, तो कहने तुम्हारे यहाँ से लोग आने के लिए परेशान होते हैं, मैं तुम्हें रुक, मैंने कहा आई हैव नो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वट एवर आई एम, जैसा भी मैं हूँ, जहाँ जब हूँ मैं अपने बच्चों को भी ऐसे ही जाऊँगा। आपने आपको कभी ख्याल नहीं आया कि मैं रुक जाता हूँ, फैमिली को यहाँ बुला लेता हूँ, वी हैव बेटर, वी माइट हैव बेटर लाइफस्टाइल्स हियर? मैंने इसे कहा ना कि मेरी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बुला सकता था और मैं स्टे कर सकता था, बट देन मेरी बेटी पैदा हुई, उसके बाद फिर देन आई रियलाइज कि वो बच्चों की तरबियत के हवाले से जो है वो शायद पाकिस्तान में ज़्यादा बेहतर हो सके, क्योंकि उस माहौल में मैं एक जनरेशन जो संभाल सकता हूँ अगली जनरेशन नहीं संभाल सकता उसमें, तो वो अल्टीमेटली उस तरफ जाएगा लॉन्ग टर्म गोल। और अगर मैं वैसे भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि मैं मेरी आदत है उस ऑब्जर्वेशन को अपने साथ रखने की, जो वो क्या रहा है, लोग कौन है, आई रियलाइज के जो बच्चे की डेवलपमेंट है उस वाले से अगर हम अपने पाकिस्तानी उसमें देखें तो वो दो चीज़ तीन चीज़ें उसमें बन रही थी। मैं घर पर एक वैल्यू सिखा रहा हूँ, स्कूल में जाके उसको जो है वो कुछ और सिखाया जाएगा जो वहाँ के हिसाब से होगा, दोस्तों में वो कुछ और सीखना चाहेंगे, तो वो एक पर्सनालिटी में स्ट्रेचेस काफ़ी आ रहे हैं। जो वो मैं घर पे अपनी तरफ खींच रहा हूँ, बच्चे अपनी तरफ, दोस्त अपनी तरफ खींचेंगे, जो स्कूल है फॉर इंस्टेंस सबसे पहले जाके जो है वो लंच बॉक्स जो है वो चेक होगा कि जो है वो आपको पेरेंट्स ने सही दिया नहीं दिया, नहीं डिस्कार्ड भी आपको ये मिलेगा, तो वो चक्कर में बच्चे ये सोचना शुरू करता है कि जो है वो मेरे पेरेंट्स मुझे सही चीज़ नहीं दे रहे, मुझे स्कूल में सही चीज़ मिल रही है, ये सोच उसके पास आ सकती है, ये सारी चीज़ें। फिर मैंने फैसला उस पर ये किया कि मैं ऐसी जगह पर रहना चाहूँगा जहाँ मैं अपनी वैल्यूज़ उसको बगैर किसी खिंचाव के दे सकता हूँ, उसको पोलराइजेशन कम होगी, मोस्ट लाइकली स्कूल में भी वही सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो हमारी अपनी वैल्यूज़ हैं, उसमें कोई डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं होंगी, और उस चक्कर में जो बच्चे की पर्सनैलिटी होगी वो उस हवाले से ही डेवलप होगी जिस हवाले से हम चाहते हैं। तो शुरू में 5 years हमने अपने बच्चों को, इसलिए मैंने वहाँ पे सेटल होने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया, वापस आया। इवन दो कि जो मेरा प्रोफेसर था उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे यहाँ से तो लोग आने के लिए परेशान होते हैं, आई एम ऑफरिंग यू, मैंने कहा कि मेरे लिए कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, वॉट एवर आई एम, जैसा मैं हूँ मैं चाहूँगा मेरे बच्चे भी उसी अंदाज से हों, और उसके लिए मुझे यहाँ ज़्यादा सूट करता है एज़ कम्पेयर टू। दैट वाज़ अ ब्रेव डिसीजन। उसके बाद अगर बच्चे पढ़ने जाना चाहेंगे ऑलवेज भी ऑप्शन, वो पढ़ने जाएँ, और अगर वो अब जैसे जितनी चीज़ें होंगी अब उनका अपना फैसला होगा कि अगर वो बाहर सेटल होना चाहें, बाहर रहना चाहें, तो ये उनका अपना फैसला होगा, दैट वुड नॉट बी माई डिसीजन। की जो मेरे तक बात थी तो मेरे लिए जो है वो जो अपने बच्चों की तरबियत है मैं यहाँ पर बेहतर से कर सकता हूँ, देन इट्स अप टू देम, अगर वो फील करते हैं कि उनको बाहर जाके सेटल होना है, बाहर ही करना है, तो उस पर कंपल्शन उनके ऊपर नहीं है,
they can go and take their decision. So, वहाँ की पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई में massive difference है, we all know that. How you as a teacher or as vice chancellor, as chairman, आपने different positions वापस आके serve किया chairmanship भी, right? तो पढ़ाई में फ़र्क है, बिकॉज ऑफ कोर्स टीचर्स यहाँ पे पढ़े हुए होते हैं, वहाँ की टीचिंग बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ के कोर्स आउटलाइंस डिफरेंट हैं, यू नो बेटर अबाउट इट. तो आप किस तरह से उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं? देखिए, जो मैंने मेरी अप्रोच रही वापस आने के बाद स्पेशली, वो ये रही कि क्लासरूम एक्टिविटीज़ एक चीज़ है, क्लासरूम के बाहर की एक्टिविटीज़ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उसको वैल्यू नहीं दी जाती. जिसमें मैंने कहा शुरू में भी कि यूनिवर्सिटी लाइफ इज अबाउट योर ओवरऑल सेल्फ, कि आपकी कैसे डेवलपमेंट होती है, आप अपने नॉलेज को कैसे कैरी करते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी कैसे कैरी करते हैं, आप डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेज को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी लर्निंग में, ये सारी चीज़ें होती है. तो बाहर की अगर मुझे जो क्वालिफिकेशन जो मैंने ली उसमें या यूनिवर्सिटी के साथ, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही यही थी कि जो वो मुझे क्लास के बाहर बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड वहाँ पे जो वे ऑफ टीचिंग था वो भी इस तरफ इंक्लाइन था कि आप जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो एक्सप्रेस करनी है, जो अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे कम करते हैं, स्पेशली अगर मैनेजमेंट साइंसेज की साइड पे देखूँ तो जो पढ़ा दिया गया है वही आएगा, जो बुक दे दी गई बस इसी में से, जो नोट्स दे दिए गए हैं, जो हैंड आउट दे दिए गए हैं उसी में सारी चीज़ों की, उसी को याद कर लो. वेयर एज इफ यू वॉन्ट टू लर्न, तो आप बस दो सोर्सेज ऑफ लर्निंग है जो आप सब कर सकते हैं, एक अपने एक्सपीरियंसेस से और एक दूसरों के एक्सपीरियंस. बिल्कुल सही बात है. हम अनफॉर्चुनेटली करते ही हैं कि दूसरों के एक्सपीरियंसेस को जो है मेमोराइज करवाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और फिर वो फिर डिस्टेंस आता है जब आपको खुद पता नहीं है कि उसको अप्लाई कैसे करना है. गोइंग टू ऑर्गेनाइजेशन फिर वो कहते हैं आप इसको अप्लाई करना है, मतलब किया नहीं, तो कॉन्फिडेंस लेवल फिर लो होता है. ये मेजर डिफरेंस है जो हम देखते हैं. सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना, नॉट मैं इसको सॉफ्ट स्किल एग्जैक्टली नहीं कहता, मैं तो ओवरऑल अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू बी कैरिंग योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन, वो सारी चीज़ें उसमें हम अगेन उसको फिर यही कोशिश करते हैं. हम जो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली है कि सेशंस करा दो, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करा दो, देन अगेन उसको फिर क्लास रूम बैठा दिया आपने, उसको फिर उस चीज़ को करने के लिए वापस आप जो क्लास रूम में अगर आप बैठा रहे हैं तो फिर प्रैक्टिकली वो चीज़ प्रैक्टिकली कर रहे थे. सो इट इज़ अबाउट लाइक वॉलंटियरिंग इन डिफरेंट इवेंट्स और एक्टिविटीज़, या इंटर्नशिप्स हो गई, या साइमल्टेनियसली जॉब्स हो गई कहीं पर, और इंस्टीट्यूट से बाहर निकल कर. एग्जैक्टली पहले फिर तुम कहते हैं क्लास से बाहर निकलो, एंड आई यूज टू डू इट. अगर कोई भी स्टूडेंट है क्लास के बाहर आप क्या चीज़ कह रहे हो, अगर वो कोई चीज़ लेके आए तो ठीक है, नहीं क्या है सर अगर नहीं हुआ तो सो वॉट, फेल हो गया तो क्या हो गया, लाइफ डजंट एंड देयर. वो चीज़ें करेगा, उसके जहन में कोई ख्याल आया कि मैं इस चीज़ को ऐसे कर सकता हूँ, वी शुड इनकरेज कि जाओ जाके करो. उसमें फेलियर हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड ही वुड फेस इट एंड वुड हैव फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम होंगी. जब वो नेक्स्ट एक्टिविटी करेगा तो उसके पास वो एक्सपीरियंस अपना खुद भी आ चुका है, अब उसको उसने वो किताब जो पढ़ी वो भी पता है, उसको अपना भी एक्सपीरियंस पता है, वो दोनों को मिक्स करेगा एंड वुड कैरी हिमसेल्फ, रादर देन मैं उसको क्लासरूम में बैठ के उठाऊंगी जो है वो ऐसे बात करनी है और ये करना है और ये होगा और यूँ होगा. तो फिर वो पहले भी कर रहा है, लेट हिम डू इट. और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो एजुकेशन है स्पेशली उसमें होना ही चाहिए कि उसको आपको फ्री हैंड देना चाहिए, जाओ और जाके करो, बात करना है बात करो. आई यूज टू से कि पैसे नहीं है मेरे पास, आई रिमेंबर इवेंट्स जब आप करवा रहे होते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एम्पावर किया कि करना है, एंड लिटरली आई हैव एक्सपीरियंस, मैं तो बहुत लेट एक्सपीरियंस किया जाके, बट आई एक्सपीरियंस दिस कि जब हम वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, बहुत एक्सपोजर मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंस सर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सब में कि जब तक हम करते नहीं है हमें खुद पर भरोसा नहीं था कि हम आगे भी कर सकते हैं. एग्जैक्टली. और बजट जीरो है फिर भी करना है, तो वो हसान सर भी कहते हैं ना, यू कैन डू इट विदाउट बजट, यू कैन डू इट विद बजट इवन. तो लेकिन फिर आप बाद में सपोर्ट कर देते जब हम फेल होते थे. वो आपको जैसे कहते हैं, हमेशा एक बात ये कहते हैं, आई ऑलवेज पुट माई सेल्फ एज द 12th मैन ऑफ द टीम. खेलना आपने है, जहाँ पे आप फंस जाओगे, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं हो तो फिर मैं सपोर्ट के लिए फील्डिंग करने आ जाऊँगा, अदरवाइज मेन काम आपका ही है, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हो. एज 12th में आपके मैं सपोर्ट के लिए आ जाऊँगा जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, और अगर कोई प्रॉब्लम बाकी अगर फेलियर है तो आई विल बी स्टैंडिंग विद यू, लेकिन अगर सक्सेस है इट्स योर्स, एंजॉय. आप
उसको उसके बाद जो अचीवमेंट करने को जो एक वो आदत पड़ जाती है कि ठीक है मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ, हो सकता है यू कर लूँ, तो वो आपको ग्रो करने में फिर हेल्प करता है इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इन योर लाइफ। जो चीज़ हमारे पास यूनिवर्सिटीज में मिसिंग है, हम उसको वैसे ही करना चाहते हैं जैसा जो है वो अपने स्कूल कॉलेज में किया होता है। हाँ, उस एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा फ्लॉ जो मैं स्कूल या कॉलेज या इवन यूनिवर्सिटी सिस्टम जो फ्लॉ बनता है वो ये बनता है कि आप एक मॉडल सबके ऊपर फिट करना चाहते हैं, एक लर्निंग सबके ऊपर फिट करना चाहते हैं, और लाइफ में वन सोल्यूशन डज नॉट फिट फॉर ऑल, नहीं होता। हर एक के लिए अलग सिचुएशन होती है, अलग अंडरस्टैंडिंग होती है, अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, अलग सोल्यूशन होते हैं उसके, और उसके बाद अगर आप उसको अलाउ करेंगे कि वो चीज़ों को करें, एक दफ़ा फेल होगा, दो दफ़ा फेल होगा, तीसरी दफ़ा फेल नहीं होगा, वो तीसरी दफ़ा सक्सेसफुल होगा वो। दूसरी चीज़ ये कि जब आप इसको अलाउ करते हैं तो आपके पास सोल्यूशंस की तादाद बढ़ जाती है, इसलिए कि हर एक अपने हिसाब से सोल्यूशन बता रहा होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की बात है, हर बच्चे अपने हिसाब से, अब उसको आपने सही जगह पर चैनलाइज करना है बीइंग टीचर, भाई इसको ऐसे नहीं, इस तरह से ये चीज़ आपने करनी है, उसको इस अंदाज से करनी है। मेरे पास एक स्टूडेंट की मिसाल हो गई, आप देता हूँ, जब मेरे पास आया, शुरू में स्टार्ट उसने किया, मेरे पास आया 2009 की बात है, मैं उस वक्त यू के से आया था, वो आया कहने से मैं आपसे पढ़ तो नहीं रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका कहना है कि लेकिन मेरे से जो है वो कोई बात नहीं करता, मुझे कुछ मेरे साथ अपने ग्रुप में शामिल नहीं करता, मैं जो वो MI टीचर से क्लास से बाहर निकाल देते, कहना मुझे हर क्लास में मुझे बाहर निकाल देते हैं वो, मुझे आता नहीं है तो मुझे बाहर निकाल देते हैं। तो मैंने उसे पूछा तुम क्या करते हो, उसे कहना कराची यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम में कैप्टन रहा हूँ 3 साल पहले, अब मैं यहाँ पर मास्टर्स हैं आपके यहाँ। मैंने कहा तो फिर कोई मसला नहीं है, तो मैंने कहा एक काम करो, एक हम वर्कशॉप प्लान करते हैं जो होगी फुटबॉल ग्राउंड, वहाँ पे तुमने टीम बिल्डिंग है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तुमने उस पर करनी, उसके फाइनेंस भी तुमने करने, सारी चीज़ें तुमने करनी है। कहने सर वो मैं कर तो, लेकिन वो बच्चे तो नहीं आएंगे। मैंने कहा आएंगे ना, तुम प्लान तो करो, कर सकते हो? कहने हाँ कर सकता हूँ, ये जो फुटबॉल मैच और ये सारी चीज़ें मैं कराता हूँ, उसी में हम लीडरशिप लेक्चर्स वो करेंगे। अच्छा, तो कहना है कि ठीक है, तो वो फिर एक हमने एक वर्कशॉप प्लान की फुटबॉल ग्राउंड में, उसके लिए उसने रिसोर्सेज को वो किया। तो अब हम यूनिवर्सिटी में साथ ही उसको जो अच्छे पे है, लेकिन वो उसको रिकॉल करते हैं, कहते हैं जो उस वक्त मैं सबके पास गया कंपनीज में इधर उधर भागता था कि मुझे फाइनेंसिस चाहिए, मुझे ये वर्कशॉप करनी है। तो कहना उस सेकेंड में बहुत से लोगों से मेरे कॉन्टेक्ट हुए, बहुत से लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई, और कहने पहले 3 दिन तो मुझे कुछ नहीं मिला, और फिर मैं और क्या नाम दोस्त जो है वो उसके बाहर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन गए थे, उसके बाहर फुटपाथ बैठे बिस्किट अब खा रहे हैं, कहना सोचे अब करेंगे थे, कहीं से तो कुछ मिला नहीं। एकदम से ख्याल आया कि वो फलाना साहब थे, हमें क्रिकेट में सपोर्ट करते थे, वही चीज़ें करते थे, लेट्स गो टू हिम। उनके पास गए, उन्होंने कहा ठीक है तुम परेशान ना हो, बस खाना पीना और टेंट साउंड सिस्टम सब कुछ हम अरेंज कर, आपको मिल जाएगा। और उन्होंने चीफ गेस्ट भी उस वक्त जो है वो मोहम्मद आमिर और फवाद आलम सो नए नए टीम में आए थे, उन्होंने उनको भेजा के जो है वो आपके लिए जो है वो एज चीफ गेस्ट वहाँ पे आ जाएंगे। वो सारी एक्सरसाइज जब उसने वहाँ पे ऑर्गेनाइज की ग्राउंड में, तो लोगों को ये वजह कि इतनी अच्छी चीज़ें इसने ऑर्गेनाइज कर दी है, उसको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि बच्चे सारे उसके उससे पूछ रहे हैं कि भाई मैं इस एक्टिविटी पार्टिसिपेट करूँगा, मैं इस एक्टिविटी पार्टिसिपेट करूँगा, ही गेट इन्वॉल्व विद द होल क्लास। फिर उसको वो कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं अचीव कर सकता हूँ, वो उसके पास आया। फिर मैंने उसको बताया कि ये सारी चीज़ें आप ग्राउंड में कर रहे हैं जो पढ़ाई जा रही है, आपने सिर्फ वो एग्जांपल्स पिक करनी है जो आपने फॉर इंस्टेंस अगर लीडरशिप की आती है, यू हैव टू पिक एग्जांपल फ्रॉम योर एग्जांपल्स, एक्सपीरियंस किया हुआ। हाँ। उसकी एग्जांपल वहाँ मैंशन करो कि फलाना लीडर ऐसे, फलाना लीडर ऐसे, फलाना लीडर ऐसा था, उसके साथ रिलेट करो आप सारी चीज़ों को। तो उससे रिलेट उसके बाद कभी वो मेरे पास दोबारा नहीं आया कि जो है वो मुझे जो है वो इस सब्जेक्ट में मसला हो रहा है, इस सब्जेक्ट में मसला हो रहा है। स्टार्ट रिलेटिंग his own experiences with these studies. वो बहुत अच्छा टॉपर नहीं, लेकिन जो है वो अपनी चीज़ें वो मैनेज कर ली। एक टीचर का रोल यहाँ आता है डायरेक्शन देने में, मतलब सिर्फ कोर्स या सब्जेक्ट या कोर्स आउटलाइन पढ़ाना नहीं होता, अब उसको पढ़ाई की नहीं डायरेक्शन की ज़रूरत थी, एक्चुअली बुक्स की नहीं डायरेक्शन की ज़रूरत थी, एंड यू प्रोवाइडेड दैट डायरेक्शन। एंड लॉट्स ऑफ टीचर अनफॉर्चुनेटली हैव टू से दिस बट लैक्स दिस पॉइंट
कि वो डायरेक्शन पे बात नहीं, अगर एंड आई सीन दिस कि अगर वीक स्टूडेंट है ना तो उसको फिर वो इंपॉर्टेंस मिलती नहीं, जबकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मुझे लगता है कि हाँ वीक स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी उसमें हमने एक और स्ट्रेटजी रखी थी कि जब अपना एनुअल डिनर या एलुमनाई डिनर करते हैं उसमें उस बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं जिसने पूरे तीन साल या चार साल में कुछ नहीं किया, तो उसमें एक दफ़ा हमने उस एक बच्चे को दिया जो क्लास में बैक बेंचर था, वो क्लास में ऐसा बच्चा था जिस पे सब हंसते थे और वो खुद भी फील करता था कि जो है वो लोगों को उसको देख के हंसी आए तो उसको उसमें सेटिस्फैक्शन। तो मैंने कहा कि ये करेगा, अब पूरी क्लास हंसना शुरू किया, ये कहाँ से करिए तो करेगा तो यही करेगा। अब उसने कहा मैं नहीं कर सकता, मैंने कहा मार्केटिंग तुम्हारे जिम्मे है, तो कहने कहा मैं नहीं कर सकता, मैंने कहा करना तो नहीं है, मैंने असाइन कर दिया, ये मेरा मसला नहीं है। फिर मैं क्लास से बाहर आ गया, उसके रूम मेरे पीछे पीछे मेरे रूम में आया, कहना सर मैं हाथ जोड़ो मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है? कहना नहीं। मैंने कहा क्लास में किसी चीज़ से कम हो? तो कहना क्या नहीं। मैंने क्या चीज़ ऐसी जो तुम कहते सर मैंने कभी किया नहीं? मैंने कहा किया नहीं तो क्या करोगे भी नहीं आगे? तो कहना कि सर जब वो ऑर्गेनाइज में जाऊँगा जब कर लूँगा। मैंने कहा बस सुन जो तुम ऑर्गेनाइज में आ गए हो, तुम्हें करना है और पीछे तुम्हारे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर तुम्हें लगे कि नहीं हो सकता मुझे बता दो, सर मुझसे ये नहीं हो रहा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बट करना तुमने। वो मैंने कहा पहले सोचो कैसे करोगे, घर जाकर सोचो, कल कल बात करेंगे इस पर। तो दूसरे दिन आए, कहने से मैं दो तीन चीज़ें सोची हैं ऐसे ऐसे भी हम कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत ये चीज़ सोचाई थी और किस से, हालांकि वो बहुत ही वियर्ड से आइडियाज थे, लेकिन उसने कहीं बहुत से यही तो कर हमने स्टार्ट करना है। उसने स्टार्ट किया, हफ्ते भर डिस्कशन उसके साथ करते करते कि रिफाइन सर्टन आइडिया उसके आप इस पर स्टार्ट करते हैं। कहना सर उसको लोगों को इंगेज करने के लिए उस वक्त मूवी आई थी उतारे जमीन पर, कहना मैं सर मैं पेंटिंग वाला कराऊंगा सबसे ताकि सबको मैं इंगेज करूँ, आइडियाज़ क्या क्या हैं उस डिनर के बाद। उसने उसने ठीक है करो, उसके हवाले से आइडियाज़ उसने जो आप जो भी आइडिया उसको यहाँ पे स्केच कर दें कि किस तरह का थीम होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, सारी चीज़ें उस पर करेगा, कलर्स होने चाहिए। अपना उसका अपना आइडिया था ये कि उसकी वजह से पूरी क्लास उसके साथ वैसे ही ये जो गई कि जो वो करवाई हुई एक्टिविटी करवाई कि डिज़ाइनिंग कैसे होनी चाहिए, अब सब उसके साथ। अच्छा उसको ये लगा कि अब सब उसकी बात सुन रहे हैं, उसके साथ चलना शुरू हो गए। पहले तो ये था कि उसने ये मजाक उड़ा रहे आइडिया फ्लोट किया, तो ये मजाक, मैंने कहा नहीं ये बिल्कुल ठीक है करना यही है। तो अब तो क्लास कहने का आपने करना तो है ही, तो करना शुरू हुए तो ऑटोमेटिकली उसके साथ बचेंगे जो फिर उसमें थीम किस तरह होना चाहिए क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ उसने की। उस वक्त वो बच्चा ऐसा था बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जो है वो ना अपनी ड्रेसिंग का ख्याल ना अपनी चीज़ों का ख्याल, बहुत ही जिसे कहते हैं कि उसका ड्रेसिंग और सारा पर्सनैलिटी जो बहुत ग्रूमिंग पे कभी बिल्कुल काम नहीं है। इवन वो अगर जो है वो दांत भी साफ नहीं हुई नहीं इस तरह की, लेकिन उसके बाद वो चेंज होना शुरू हुआ। उसको ये पता था कि मैं सामने हुआ, मैं पीछे नहीं हूँ, बैक बेंचर था शुरू में। अब उसको ये मैं सामने मुझे आना है और मेरी पर्सनैलिटी मुझे जो सब देख रहे हैं पूरी क्लास के जो है बच्चे देख रहे हैं और मेरे साथ चलना चाह रहे, तो वो फिर चीज़ें उसने चेंज करना शुरू की। इस वक्त वो रीजनल हेड है कंपनी के मार्केटिंग का। ओह माय गॉड, वो हमेशा उसको मुझे फोन करता। अच्छा उसने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं मार्केटिंग चूज करूँगी, कुछ आपने तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दी। वो मार्केटिंग में ही किया क्योंकि उसके पास वो स्किल थे कि वो लोगों के साथ बात कर सकता था, मजाक कर सकता था, हंसी कर सकता था, उसको पता था कि लोगों को क्या चलना कैसे। एंड यू सॉ दैट, आपने रैंडम उसको नहीं उस जगह प्लेस किया था। उसके पास वो चीज़ें थी जहाँ वो लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो और आप क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर सकते हो तो आप एक्सेल कर सकते हो। जो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर वो कन्फाइन रहते छोटी जगह पर। तो आप अभी भी कहते हैं कि मैं बल्कि उसको नई गाड़ी उसको मेरी फॉर्चुनर, तो कहना सर मैं आपको उसमें बैठा के खुश तो कहना सर मैं शायद ये एक्सपेक्ट नहीं है। वो बहुत ही लो हम्बल बैकग्राउंड से था, बहुत ही लो बैकग्राउंड से था, कहना कि मेरी जो लाइफ पूरी चेंज हुई, मेरे घर की पूरी लाइफ चेंज हुई है इस एक इंसिडेंट। वो चीज़ें इस अंदाज से चेंज होती हैं और वो असल सक्सेस। सर ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव चाहिए इसके लिए, अब आना क्लास में पढ़ाना और चले जाना मोस्टली आई वुड से एंड आई हैव सीन दिस 80% टीचर्स के वेरी फ्यू पीपल आर देयर हु कम विद दिस विजन, क्योंकि आपका जो विजन है माशाल्लाह, फिर चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो, मतलब कराची यूनिवर्सिटी के लिए हो या फिर हमदर्द के लिए हो, यू ऑलवेज हैड दिस विजन। और
एक्चुअली उनका एक्सपोजर बढ़ाना, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना, यहाँ पे आपने सिर्फ उसको एक अपॉर्चुनिटी दी और आपको पता था कि उसका शायद आइडियाज़ कुछ इतने खास भी नहीं है, बट आपने उसको मोटिवेट किया. सो ये जो है ना सिर्फ उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए. बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ कॉन्फिडेंस पे ही काम करते हैं. उनका अगर कॉन्फिडेंस आ जाए, अपनी चीज़ों को वो एक्सप्रेस तो करना शुरू करें कि मैं ये कर सकता हूँ. ऑब्वियसली इनिशियली वो आइडियाज़ रॉ ही होंगे, बहुत ही इलॉजिकल भी होंगे, सब कुछ होंगे, बिकॉज उसको कभी वो चांस मिला नहीं है. मैं हमेशा अपने एजुकेशन सिस्टम स्कूल कॉलेज के वाले से बात करता हूँ. हम एक स्टैंडर्ड, एक वन सोल्यूशन फिट फॉर ऑल वाली बात के एक कोर्स, स्टैंडर्ड कोर्स आउटलाइन दे दी, उस स्टैंडर्ड कोर्स आउटलाइन को एक टीचर ने पढ़ा दिया, सारे बच्चों के लिए सेम है, सारे बच्चों ने सेम सवाल और सेम सवाल का सेम जवाब उन सबने देना है और उसी पे वो असेस होंगे. लाइफ ऐसे नहीं होती कि आपको एक सोल्यूशन, एक सिचुएशन दिया. हाँ, आपकी लर्निंग एक हद तक वहाँ पे रहनी चाहिए बस, उसके बाद क्लास के बाहर भी उसकी लर्निंग होनी चाहिए जो उसको जो है वो इसके साथ मर्ज किया जा सके और वो एक ओवरऑल जो उसकी पर्सनैलिटी है या उसका जो लर्निंग सेट है वो जो है वो एनहांस होना चाहिए. हम करते ये हैं कि जो क्लास में पढ़ा दिया, जो मैंने करा दिया, बस वही कंप्लीट है, इसके अलावा कुछ नहीं है. अभी भी टीचर्स उस वाले सोच रहे हैं कि जहाँ पे वो कहते हैं कि जो है वो हमने इसको ये पढ़ा दिया, इसको ये सही पढ़ लिया, सही रिप्रोड्यूस कर दिया इम्तहान में, बस दैट्स इट. वो क्यूरियोसिटी को इनकरेज भी नहीं करते ना, क्वेश्चनिंग इनकरेज नहीं करते, और क्वेश्चन आ जाए तो द माइंड एक्चुअली दे डोंट लाइक के अगर कोई काउंटर क्वेश्चंस कर रहा है. वो इसलिए ना कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता. इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है. जब सामने वाले को कहना है कि तुमने लेकर आना है चीज़ें, तुमने करनी है और उसको ट्राई करो, देन यू हैव टू स्टैंड विद दैट पर्सन एक्स्ट्रा. वो एक्स्ट्रा मैं करने के लिए तैयार नहीं हूँ. मैं तो जो है वो इस क्लास से निकला, उस क्लास में, उस क्लास से निकला, उस क्लास में, इस जगह मैंने इतना कमाया और जितने क्लासेस पढ़ाऊंगा उसके हिसाब से कमाऊंगा, तो वो फिर आप उस अर्निंग को नहीं देख रहे जो उस बच्चे की डेवलपमेंट के थ्रू होगी आपकी. बिल्कुल, तो वो आप नहीं देखते इसको. आप उस बच्चे को अगर वो सिखा देंगे कि जो चीज़ों को लेना कैसे है, लाइफ कैसे आगे बढ़ानी है, आपने चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड कैसे करना है, एक्सप्रेस कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, फीडबैक कैसे देना है, वो ग्रो होने का आपने तो चांस ही नहीं दिया. उसको चांस नहीं देने का मतलब ये कि आपने वो अपने लिए भी चांस नहीं क्रिएट किया. अगर क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों से आपने इनपुट लिया है, तो आपको 30 डिफरेंट आइडियाज़ तो मिले हैं. उनमें से ठीक है 5 आइडियाज़ आपके काम के होंगे, 2 आइडिया आपके काम को, 1 आइडिया आपके काम का होगा, लेकिन वो 1 आइडिया वो होगा जो आपने नहीं सोचा था. तो आपकी भी तो लर्निंग हो रही है उसमें, आप नहीं चाहते वो लर्निंग, आप चाहते हैं बस सिर्फ मैं जो बताऊँ वो जाके मैं बोलूँ, बोलना शुरू करूँ और सब चुपचाप लिखते रहें और मैं क्लास से बाहर निकल जाऊँ. तो आपने अपनी चीज़ सोचा थ्रो कर दी, वो 30 बच्चों की चीज़ इधर आई नहीं. हर बच्चा डिफरेंट होता है, डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से आता है, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग के साथ आता है, डिफरेंट आइडियाज़ के साथ आता है. आप उसको चांस दें कि वो चीज़ें वो एक्सप्रेस कर सके, तो वो आपकी जो एक्सप्रेशन हैं उसको भी एक्सटेंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. जब आप टीचर्स हायर करते हैं, आप ये देखते हैं कि उनका क्या विजन इतना ब्रॉड है, क्योंकि अगर आपको ये, क्योंकि ये आपका विजन है, बाकी टीचर्स का नहीं होगा, और बीइंग वाइस चांसलर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, आई डोंट नो, मतलब ऑफ कोर्स हायरिंग आप नहीं करते होंगे, बट व्हेन एवर यू थिंक अबाउट चेंजिंग द सिस्टम, तो वो टीचर्स जिनका विजन इतना ब्रॉड हो, वही फिर ग्राउंड लेवल पे वो चेंजेस कर सकते हैं. उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्योंकि टीचर्स के हवाले से ट्रेनिंग मैकेनिज्म या ट्रेनिंग एनवायरनमेंट वैसे इतना इनरिच्ड नहीं है जहाँ पे आप कहेंगे लोगों को जो आपको रेडीमेड मिल जाएंगे. हाँ, उसमें भी तो हम हायर करते हैं, उस वक्त भी सी के जो है वो उसकी अपनी एक्सपीरियंसेस इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन या इन टर्म्स ऑफ उसकी एम्प्लॉयमेंट कहाँ रही है और किस तरह से रही है एंड हाउ ही सीज थिंग्स. उसके बाद जब वो उस पर आ जाते हैं, फिर हम उसके साथ डिस्कशन, मुख्तलिफ मीटिंग्स जब होती हैं, तो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ रखते हैं कि वॉट इज आर मोटिव, कि हम उसको किस अंदाज से चीज़ को लेकर. लकीली हमदर्द के साथ एडवांटेज कह लें कि एक उसका एक परसेप्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि हमदर्द हकीम साहब की वजह से जो है वो एक लोगों की एसोसिएशन या एक अंडरस्टैंडिंग हमदर्द के हवाले से है, और वो तकरीबन इसी अंदाज की जिस अंदाज की मैं सोचता हूँ. तो मुझे इसमें बड़ी खुशी होती है कि जो है वो चीज़ जो मैं सोचता हूँ वो हकीम साहब पहले एग्जीक्यूट कर चुके हैं या उसके बारे में आइडिया रखते हैं, तो मुझे उसकी एग्जीक्यूशन में या उसको लोगों को बताने में बहुत आसानी होती है. मुझे ये कहना था भाई यू ऑलवेज हैव टू बी फोकस ऑन स्टूडेंट्स, आप उन बच्चों पे फोकस करें, चीज़ें खुद ब खुद जो है वो सही हो जाएंगी.
वरना नॉर्मली होता ही है कि मैं अपने आप पे फोकस करता हूँ, मेरा क्या फ़ायदा है इसमें। मेरे हकीम साहब का जो फोकस रहा, जो हमदर्द का फोकस वैसे रहा, वो लोगों के लिए रहा, बच्चों के लिए रहा, कि बच्चों के लिए क्या है। मैं उनकी उस पर जब देखता हूँ, मैं हमदर्द के, तो मेरे लिए बड़ी ज़बरदस्त लर्निंग थी। जो हमने इदारे सईद वहाँ देखा, इदारे सईद बनाया है जिसमें हकीम साहब की तमाम चीज़ें रखी गई हैं, उसमें उनका जो ज़ाती कमरा है वो भी है, और उसमें जितनी सादगी है, एक मेट्रेस सिर्फ है, बाकी तस्वीर, जानमाज, टेबल, किताबें और सिर्फ ये है। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। और जो अच्छा, मैं उसके अगेंस्ट में यूनिवर्सिटी में देखूँ, जो उनकी लगाई हुई चीज़ें हैं वो टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें लगी हुई हैं। उस वक्त के हिसाब से भी जो टॉप ऑफ द लाइन थी वो उन्होंने लगाई, विच मीन्स कि जो बच्चों को देना है वो बेस्ट देना है। अपने लिए जो है वो मेरे तो अपनी ज़ात की नफ़ी या अपनी चीज़ों के हवाले से जो है वो अपने आप को पीछे रखना, दूसरों को आगे रखना, ये हकीम साहब उस इदारे की बुनियादी ऐसे बुनियादी ऐसी लेकिन मेरे लिए बहुत आसान हो गया चीज़ों को जो है वहाँ पे एग्जीक्यूट करना, कि जो है भाई तो इस वजह से। और सर आपने शुरू से, मैंने मतलब हमदर्द से पहले भी आई हैव सीन यू गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू पीपल, चाहे उनका एक्सपीरियंस हो या ना हो, बट ऑफकोर्स उनकी इंटेंशन मैंने देखा है कि जिन लोगों की इंटेंशन अच्छी होती है और जो वाकई करना चाहते हैं, भले ही वो लेस एक्सपीरियंस हो, आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज दे रहे होते। तो सर आपको कभी ये नहीं हुआ है व्हाट इफ दे फेल, या वो उन्होंने ब्लंडर्स कर दिया बिकॉज आप उन्हें लेकर आए हैं? मैं उससे हमेशा जब बच्चों से जो नॉर्मल मुझसे सवाल करते थे रिस्पेक्टिव एनी एक्टिविटी, कि सर हम स्पेशलाइज कौन सा करें, इट्स योर डिसीशन, आपको फैसला करना है, आप बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कह ये ले लूँ कहना है कि सर ये फेल हो गया था, मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि जो हम स्कूल, मैं बात पहले भी करना चाह रहा था, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम बच्चों को डराते बहुत हैं। फियर ऑफ फेलियर जो है वो सबसे ज़्यादा इनकलकेट करते हैं, पढ़ो वरना फेल हो जाओगे, पढ़ो वरना फेल हो जाओगे, पढ़ो वरना फेल हो जाओगे। उसको एप्रिसिएशन कम और डराते ज़्यादा हैं फेलियर से। वो जो हमने इनकलकेट किया फियर ऑफ फेलियर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जगह के, भाई पढ़ो वरना फेल हो जाओगे, ये करो वरना फेल हो जाओगे, ये करो वरना फेल हो जाओगे, ये करोगे तो ये नहीं होगा, ये करोगे तो ये नहीं होगा, ये करोगे तो ये नहीं होगा। थ्रू आउट हमारी जो डिस्कशन की बच्चों के साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चाहे वो घर पे भी बात हो रही हो, तो यही होती है कि जो ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, भाई ऐसा हो जाएगा तो क्या दुनिया ख़त्म तो नहीं हो जाएगी उसकी, उसके आगे भी जो चीज़ें हैं उसको सिर्फ ये सिखाना चाहिए कि ये करना है तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ये करोगे तो इससे ये चीज़ मिल जाएगी, तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी। हम उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दें तो उसकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हम उसको सिखाते हैं दूसरी तरफ से कि जो है वो ये करो नहीं तो फेल हो जाओगे, ये करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। नेगेटिव साइड नहीं, उसकी पॉजिटिव साइड पे उस पर उसको इनकलकेट करना चाहिए कि ये चीज़ करो तो ऐसा हो जाएगा, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, और इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। So never have you were never scared of failure? No, failure होगा तो आप जब भी, तो आपको लर्निंग भी होगी, आप उससे आगे भी तो बढ़ेंगे। फेलियर का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वहाँ पे ख़त्म। हाँ, फेलियर आपने मान लिया और ट्राई करना छोड़ दिया, बस वहाँ फेलियर, वो एक्चुअल फेलियर, वो एक्चुअल फेलियर, अदरवाइज फेलियर थोड़ी है। इसलिए कि हर आउटकम आपकी मर्जी का नहीं होता, डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट होगा तो आपकी लर्निंग बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और एट टाइम्स शायद वही आपके हक में बेहतर भी होता है। भैया आपके हक में बेहतर होता है कि आप ये लिए तो जैसे, अच्छा ये ऐसे करने से ऐसा होता है, ठीक है नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट दिस वे। तो सर इस सिचुएशन में मुझे वो वाला आपका डिसीजन याद आ रहा है व्हेन यू ऑप्ट फॉर वीसीशिप ऑफ हमदर्द यूनिवर्सिटी, एंड ऑफ कोर्स यू वर द चेयरमैन, बट दिस वाज अ वेरी बिग बिग रिस्पॉन्स, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूज रिस्क एसोसिएटेड विद ह्यूज रिस्क। हाउ वाज योर लाइक हाउ योर फीलिंग सबसे पहले, तो मतलब अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली, सोचा कि करूँ नहीं करूँ, ये वाली कन्फ्यूजन? पहले मेरे पास आई थी अपॉर्चुनिटी तो मैंने मना किया था इससे कि शायद मैं नहीं कर सकता और शायद मैं डिजर्व नहीं करता, इसलिए जो है वो मैंने यूनिवर्सिटी उस हवाले से देखी नहीं है कभी, इवन कराची यूनिवर्सिटी मैंने उस हवाले से नहीं देखी है। बट देन जब सेकेंड टाइम बात आई तो मैंने कहा ठीक है, विल डिस्कस एंड सी, देन आई सेड ओके, ओके कर दिया, एंड देन आई केम टू पीपल के ऐसा 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 है, मैंने बल्कि भाई को बताया, कहना आपके साथ किसी ने मजाक किया होगा, मजाक नहीं, मैं मिल के आ रहा हूँ, फिर कहना अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा, लेकिन मुश्किल होगा। टीचर से बात की, एक ने तो कहा कि जो वो एक महीने से ज़्यादा तो वहाँ रुक नहीं सकते, किसी ने कहा ऐसे है, किसी ने कहा ऐसे, मैंने कहा अगर ठीक है मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैंने कर लिया तो, कहना नहीं कर सकते, मैंने कर लिया तो, लेट्स अज्यूम इट, अगर मैंने कर लिया तो, कहना कर लिया तो बड़ी बात है। मैंने कहा बस मैं इसी को, इसी सोच के साथ जा रहा हूँ कि वॉट इफ मैंने कर लिया, और अगर नहीं किया
तो आई कैन ऑलवेज फॉल बैक, मैं वापस आ सकता हूँ. एंड देन मेरे पास ये डेट तो मैंने नहीं किया, मुझे पता है कि वहाँ ट्राई नहीं किया, ट्राई नहीं किया, कर लिया. एक टीचर थे उन्होंने कहा कि नहीं यू शुड गो एंड यू शुड ज्वाइन बिकॉज पाकिस्तान उस वक्त 172 यूनिवर्सिटी, यू वुड बी अमंग 172 पीपल इन पाकिस्तान, सो यू शुड गो एक्सपीरियंस हो, यू विल एंजॉय. एंड क्या ठीक है, फर्स्ट टाइम जब मैं गया और मैंने फिर ज्वाइन किया, देन आई रियलाइज के स्ट्रक्चर कितना बड़ा है और कितना बड़ा सेटअप और सारी चीज़ें. पहला चेक साइन होने के लिए आया वो था तकरीबन 66 लाख का. मैंने फिर मैडम को कॉल की, मैंने कहा कि मेरी साइनिंग लिमिट कितनी है, ऐसे कि है वो मैं साइन कर दूँ बाद में मुझे इसको भरना पड़ेगा. तो थोड़ा सा मुझे कहा कि डॉक्टर साहब ये है वो बजट अप्रूव्ड बजट का पार्ट है और आप उसको साइन करें तो इसमें कोई इशू नहीं है. और वैसे भी जो है वो ये जो है कंपनी टू कंपनी जा रहा है तो आपको कोई इतना इशू उस पर नहीं होगा. तो उन्होंने बहुत उस पर सपोर्ट किया. लकी मेरे लिए ये रहा कि जो चांसलर साहिबा हैं और डीजी हमदर्द फाउंडेशन, इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट किया उस हवाले से कि ठीक है जहाँ जहाँ पर मुझे उस हेल्प की ज़रूरत पड़ी, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी, उनसे कह रहे कोई बात नहीं आप कह रहे हैं इसको ट्राई करें. तो उस पूरे फेज़ में जो मेरे लर्निंग फेज़ एक साल डेढ़ साल का, फिर उन्होंने मैंने चांस दिया मुझे लम्स भेजा लीडरशिप ट्रेनिंग के कोर्स करना, क्या तो सब इसको करके आ जाएँ आपकी चीज़ें सवाल से लेते हैं. तो वो उन्होंने मुझे उस हवाले से सपोर्ट मिली और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी पूरा जो टर्न अराउंड सॉर्ट ऑफ हमने उसमें किया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई. और सर अब तो मतलब बहुत फ़र्क, इट्स बीन लाइक फाइव ईयर्स, 5 सालों में तब जो था और अब जो है, बहुत इन डेप्थ तो मुझे नहीं मालूम बिकॉज आई एम नॉट पार्ट ऑफ हमदर्द, लेकिन अगेन बहुत फ़र्क आया है. सो व्हाट आर द मेन चैलेंजेस एंड हाउ यू लाइक ओवरकम दोस चैलेंजेस? सबसे बड़ा जो चैलेंज था दैट वाज अबाउट यहाँ कुछ नहीं हो सकता, सब चीज़ ऐसे ही है. माइंड सेट का सबसे बड़ा था कि वो आपका एक वो वाला माइंड सेट जो हारा हुआ हो, हमारे कैंपस बहुत दूर है, हमारे कैंपस में ये नहीं है, कोई देखता नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है. तो दे हैव नंबर ऑफ रीजंस, यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, लोकल इन्फ्लुएंस भी है, ऐसे है वैसे है. सो देयर वाज ह्यूज चैलेंज. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर 3,700 कराची इस्लामाबाद बोथ. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर 1,500. 1:2.2:1:3 का रेशो पे हमारे पास एम्प्लॉइज थे, 2.5 थे. अर्निंग हमारे पास इतनी नहीं थी कि हम अपने एक्सपेंसेस मीट कर सकते थे. जो इन लॉसेस जो हमें फाउंडेशन से एक्स्ट्रा सपोर्ट लेनी पड़ती थी, 1 month सैलरी और 2 month सैलरी जो हमें एडिशनली लेनी पड़ती थी, तो उस पॉइंट पे हम ज्वाइन किया था. उससे लोगों ने कहा कि जब गलत फैसला है हम लोग से जो बंद हो जाएगी, इतना बड़ा कैंपस है, मैनेज ही नहीं हो सकता आगे. ठीक है, दोज आर द चैलेंजेस. और जैसे मैंने कहा कि मैं आई वर्क ऑन द अप्रोच एंड द माइंडसेट ऑफ पीपल, मुझे काम चाहिए. ठीक है, नहीं होता ना हो कोई बात, कोशिश तो करे बंदा, कोशिश तो करेगा और करना है हमें. फैसिलिटेशन पे स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स, उनके इश्यूज, उनकी चीज़ें वो डिस्कस होनी चाहिए. तो माइंड सेट्स और आपके परसेप्शंस पे काम ने पे रखा कि वो जो भी चीज़ है बट लोगों के आप डिस्क उसमें कोई पैसे नहीं लगते, लोगों के प्रॉब्लम सुनना है और उसको रिजॉल्व करना है उसमें पैसे नहीं लगते. एंड देन वर्क ऑन इट, उससे बहुत सारे लोग फिर वो जो काम नहीं कर पा रहे थे वो फिर अलग होते चले गए, अलग होते चले. इस वक्त हमारे पास जो स्टूडेंट्स काउंट है वो 9,000 है, जो तकरीबन जो है वो दोगुना ज़्यादा हमने उस पर कर लिया. amazing, amazing. जो हमारे पास फंड्स भी फंड्स जो हमारे पास जो हैं वो इस वक्त हमारे पास जो रिजर्व हैं वो तकरीबन 2 साल की सैलरी हैं. ओह माय गॉड, अमेजिंग. जो हमारे पास रिजर्व में है, यानी अगर हम आज भी खुदा खासा इस पोजिशन पर आए जहाँ पर देना पड़े तो वी कैन गिव दोस सैलरीज टू एम्प्लॉइज फॉर 2 years. एंड मुझे वो इंसिडेंट याद है जब आप बता रहे थे कि ग्राउंड्स को आपने यू नो यू प्रोवाइडेड दीज ग्राउंड्स कि लोग आकर खेलें एंड देन दे शुड पे टू हमदर्द, ऐसा ही कुछ था उसमें. हमने क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड सारी चीज़ मौजूद थी. क्रिकेट ग्राउंड की सिचुएशन बहुत ख़राब सी थी, मतलब
अच्छा उसमें इतना रेड टेपिज्म के हर चीज़ की परमिशन दी है, वो सब जगह से वो क्या करने वाई चांस पे आएंगे, वाई चांस से परमिशन देंगे फिर वापस जो है फ्रंट पे जाएगी, इतना टाइम उसमें वैसे लग जाएगा बच्चा कहेंगे मुझे नहीं खेलना। ऑडिटोरियम वगैरह के लिए भी जो भी फैसिलिटीज है उनके लिए रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ज़्यादा मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल, एंड आई गिव इट बैक टू दीज थिंग्स जहाँ पे स्टूडेंट्स की फर्स्ट इंटरेक्ट एक ही ऑफिस उनको पता करना पड़ेगा, अगर वो अवेलेबल है तो दे कैन यूज़ इट एंड अगर नहीं तो नहीं। तो क्रिकेट ग्राउंड पर हमने ये किया कि जो है वो लोगों को कहा कि आप ग्राउंड आए यूज़ करें, लोगों ने कहा दूर है, मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट हम देंगे, रिफ्रेशमेंट हम देंगे, बॉल्स अंपायर स्कोर ये सारी चीज़ें हम देंगे, आप आके सब खेलें यहाँ पे हमदर्द की टीम के साथ। एक एक दो दो करके जब आगे खेलना उन्होंने शुरू किया, उन्होंने ग्राउंड अच्छा है, रिफ्रेशमेंट भी है, सब कुछ है, तो वो स्टार्ट वहाँ से, फिर हमने जो है उसमें रिफ्रेशमेंट ख़त्म की जो है वो दे बिकम यूज टू ज्ञान, फिर उसके बाद हमने जो है वो ट्रांसपोर्ट भी ख़त्म की, उसके बाद जो लोग फिर भी आते रहे खेलने के लिए, फिर हमने कहा कि अब जो है वो इसके चार्जेस हैं एंड दे हैप्पीली एग्री टू इट। उसके लिए हमने जब ग्राउंड को जब बेहतर साथ साथ बेहतर भी करना शुरू किया, हमने उसके लिए स्पेशल मिट्टी जो है वो नंदीपुर से मंगवाई, जो नेशनल जो क्यूरेटर भी हमने वो बुलवाया जो नेशनल स्टेडियम वगैरह में सर, ताकि जो है वो ग्राउंड बेहतर उस पर हो और लोग आएँ तो इन्जॉय करें। बहुत से हमारे क्रिकेटर्स जो हैं नेशनल टीम के भी वो आके वहाँ खेल चुके हैं, पीसीबी को भी ग्राउंड हमने दिया उनकी जो ओबियसली लोअर जो लेवल है उसके मैचेस वहाँ पे। अभी हमने पीसीबी को लिखा भी है कि हमें जो है वो आप यहाँ पे फैसिलिटीज ऐड कर रहे हैं, तो आपने जो है वो जो ग्रेड वन और ग्रेड टू के मैचेस हैं वो यहाँ पे आप कराएं और फिर हम उसके लिए अलाउ करेंगे। जो अवेलेबल रिसोर्सेज थी आपने उनको मोनेटाइज कर दिया बेसिकली, सो दैट के वो हमदर्द के फंड्स आगे अवेलेबल होते रहे। असल चीज़ फंड से ज़्यादा जो है ना वो उस फैसिलिटी की यूटिलाइजेशन है, उसकी अवेयरनेस है सोसाइटी की, ये फैसिलिटीज यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अभी जैसे फॉर इंस्टेंस हमने एक स्कूल के साथ जीस इंटरनेशनल स्कूल के साथ भी एमओयू साइन किया, उनकी एजुकेशन सोसाइटी है पास में, वो सिर्फ इसलिए कि वो फैसिलिटी उनके पास एक है एडेड जो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए चाहते थे, जो उनके पास एक बहुत अच्छा स्विमिंग पूल भी है और अच्छी क्लासरूम्स के साथ सारी चीज़ें, तो हमने उनके साथ ये रखा है क्योंकि हमदर्द का कॉन्सेप्ट हमेशा से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का पूरा है, तो हमने उनके साथ ये किया ताकि उनके साथ मिलकर जो है वो स्टूडेंट की फैसिलिटेशन को मज़ीद एक्सटेंड किया जा सके। जब वो फैसिलिटी ऐड होगी तो उसके बाद जो बच्चों का इम्प्रेशन है, इमेज है, स्टाफ का इमेज है, इम्प्रेशन है, वो चेंज होगा। असल चीज़ इसमें मैंने काम किया वही मैंने कहा कि जो है वो ये फील कराना कि हमदर्द यूनिवर्सिटी कैन डू वंडर्स फॉर देम, और उसके लिए सिर्फ उनको थोड़े से वंडर्स यूनिवर्सिटी साथ करने होंगे। So you worked on funds for university and you worked on this open door policy for students. तो वो beneficial students के लिए तो बहुत होती है, लेकिन वो आपके लिए बहुत challenging हो जाती होगी, क्योंकि मैंने खुद अपने सामने open door policy देखी है department of public administration में भी, and students तो मतलब they love this thing कि हमारी बात सुनने वाला कोई बैठा है और बात ऊपर तक पहुँच रही है, वरना तो फिर वो इधर left right हो जाती है, बाद वहाँ पहुँचती ही नहीं है। तो ऐसे ही शुरू में हुआ, चैलेंजेस वर ह्यूज, बच्चों ने आना शुरू किया, पता चला शुरू हुआ, उसके लिए पहले मैंने काम ये किया था, मैंने कहा कि मैं कोर्स पढ़ाऊंगा, तो मैंने फार्मेसी में कोर्स पढ़ाना शुरू किया विच वॉज अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट कोर्स स्टार्ट, वहाँ से बच्चों से इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, बिकॉज प्रायर टू दैट बच्चों का एक्सेस यहाँ पे नहीं था, बच्चों को आइडिया नहीं था कि वीसी भी एक्सेसिबल है या नहीं है, तो आई वेंट टू देम, आई टुक क्लासेस, फिर उसके बाद वहाँ से बच्चों को चैलेंज किया कि आपको जो प्रॉब्लम हो, आप जब बच्चे भी बस आना शुरू हुए तो बस डीन उन सब का सर आप बच्चों को मना करें कि वो आपके पास नहीं है, हम उनके काम कर देंगे। मैंने कहा मैं बच्चों को मना नहीं करूँगा, इफ़ यू वॉन्ट कि बच्चे मेरे पास नहीं आए आप वहीं पर सर्विसेज दे दें, अगर वहाँ पर दे देंगे मुझे कोई इशू नहीं है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हुआ कि वो डीन्स ने ये रियलाइज़ करना शुरू किया कि अल्टीमेटली हम तक तो उन्हें करना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए हम बेहतर है कि पहले ही कर दें। तो फिर अब तमाम डीन्स बच्चों के प्रॉब्लम नहीं हल करते, मेरे पास बच्चे बहुत कम आते हैं, अब जो रेशो बहुत कम हो गया एज़ कम्पेयर टू जो आज से दो साल तीन साल पहले था, बहुत ज़्यादा था, उन बच्चों से बाकायदा अब नाम वगैरह, अब बच्चे नॉर्मली कम आते हैं, इसलिए उनको ये पता है कि हमारा मसला जो है वो एच ओ डी लेवल पे या डीन लेवल पे ही हल हो जाएगा, उसके लिए वहाँ जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो वी सी के पास हम जा सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस तो नेगेटिव, उसका कोई एडवांटेज नहीं लिया स्टूडेंट्स ने कि भाई अगर मेरा काम नहीं करोगे तो मैंने वीसी को कंप्लेंट कर दी, ये भी तो होता है ना सर अक्सर कि फिर वो मैं जब भी इस पे रखता हूँ
जब भी इस पर जब भी स्टूडेंट से बात करता हूँ पहले तो दो तीन चीज़ें, एक के अपने मार्क्स के बारे से मुझसे बात आप नहीं करेंगे, अपनी शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस के बारे से मुझसे बात नहीं करेंगे, डिसिप्लिन के बारे से मुझसे बात नहीं करेंगे कि जो हम आपने बदतमीजी की है वो चीज़ें की हैं और उसके बारे से मैं आपको सपोर्ट करूँगा मैं आपको सपोर्ट नहीं करूँगा। आपके इसके अलावा कोई मसले हैं तो देन आई लुक इनटू इट। कहीं भी आपको टीचर ने एक्सेस नहीं दिया या आपको जो है लगता है कि आपकी जो है वो मार्किंग सही नहीं हुई है या दूसरी वो ठीक है आप एप्लीकेशन दे दें। और हमेशा इंकरेज बच्चों से ये कहते हैं आप इंडिविजुअल पे ना जाएं, इसने ये कर दिया उसने कहा, आपको प्रॉब्लम क्या है सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बता दें, दैट प्रॉब्लम विल बी लुक्ड आफ्टर, इट विल नॉट बी अबाउट इंडिविजुअल फलाना ऐसे फलाना ऐसे फलाना ऐसे। तो जहाँ मैंने ये करना शुरू किया तो फिर वो फिर नेगेटिव जाएगा। आई नेवर टॉक्ट अबाउट एनी टीचर, आई नेवर टॉक्ट अबाउट उसने ये कर दिया, जिसने जो कर दिया उसको साइड में रखो, वॉट इज योर प्रॉब्लम, जस्ट फोकस ऑन योर प्रॉब्लम एंड वील लुक फॉर सोल्यूशन टू इट, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, नॉट बी लुकिंग के उस सोल्यूशन के अंदर अगर कोई चीज़ आ रही होगी तो दैट इज अ मैटर विच आई हैव टू लुक इनटू इट विच इज़ नॉट द कंसर्न ऑफ द स्कूल। इसलिए उसे जो ये इंप्रेशन नहीं देना कि जो आपने उनके खिलाफ शिकायतें लेके भी पढ़ानी है, आपने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम लेके आनी है, मेरी प्रॉब्लम ये है। सर आपने एक्सपोजर पे काम किया, आपने उनकी लर्निंग पे काम किया, एक चीज़ जो हमेशा मेरे जहन में सवाल आता है, अबी जैसे कुछ इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुए हैं इफ़ यू नो अबाउट लाइक एक्सट्रीम कॉमर्स है और इनेबलर्स है और भी बहुत सारे जो स्किल बेस्ड लर्निंग पे काम कर रहे हैं, दे टीच स्किल्स, कुछ हैं ये नहीं बट कुछ और हैं जो बैश करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को कि फेलियर है वो, बिल्कुल वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यू डोंट अर्न आफ्टर यू नो गेटिंग दैट डिग्री। आई नो डिग्रीज आर नॉट जस्ट फॉर द अर्निंग पर्पजेज, लेकिन ये जो स्किल बेस्ड लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट है, कभी आपने सोचा कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में भी ये चीज़ लानी चाहिए? क्योंकि जितना मैंने देखा है, अगर हम बिज़नेस की एग्जांपल नहीं, बिज़नेस एजुकेशन में हम स्किल बेस्ड लर्निंग पे कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूट फोकस नहीं कर रहा। ऐसा ही है, लेकिन मैं देखिए उसको मैं इस तरह से कहता हूँ कि मैं मुझे खुशी है कि और लोग भी इसको ले रहे हैं और कर रहे हैं। अल्टीमेटली द ओवरऑल एनवायरनमेंट विल बिकम लाइक दैट। इसमें ये कहना कि मैं करूँ और बाकी नहीं करें या सिर्फ मैं ही कह रहा हूँ ये चीज़ें, इट्स गुड दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर कमिंग अप विद दिस आइडिया एंड दे डूइंग इट और एवरीवन वुड बी डूइंग इट देयर ओन वे, जिस तरह से उनको बेहतर लगता है। हम हमेशा से ये चीज़ करते आ रहे थे, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऐसे ही किया, हम यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऐसे ही कि बच्चों को वो कॉन्फिडेंस देना है, वो इनकरेज करना है कि वो दे गो फॉर इट एंड दे गेट द थिंग्स डन देयर वे, और उसमें उनको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, स्किल्स भी मिलेंगी, जो है वो चीज़ें भी ज़्यादा बेहतर। सो वो जो एक्सपोजर वाला पार्ट है वहाँ पे वो कवर कर, वहाँ पे ऑलरेडी कवर हो रहा होता है। और इसका एक और चीज़, हमने जॉब फेयर कराया था हम यूनिवर्सिटी में पिछले 3 साल से हम करा रहे हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट ये रखा कि इट वुड बी ओपन फॉर ऑल। तो पहला ये बच्चों ने कहा कि स्टाफ ने कहा कि सब पैसे हम खर्च करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, जॉब तो किसी और से मिलेगी। मैंने कहा सो व्हाट, व्हाट दे विल से कि हमें जो जॉब मिली है वहाँ फलाना जॉब फेयर में गए थे वहाँ जॉब मिली थी, इट वुड बी अबाउट यू। और जिसने भी जॉब देनी है उसने जॉब देनी है बेस्ट इंडिविजुअल को, उसने ये देख के नहीं देनी है कि जो मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन से लेना है उस ऑर्गेनाइजेशन से। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफर कर भी रहे होते हैं तो बेस्ड ऑन द परसेप्शन कि वहाँ ये बेहतर होगा। और अगर आप ओपन फॉर ऑल रख रहे हैं तो आपके अपने इंस्टीट्यूट की भी तो मतलब मार्केटिंग हो रही है, एंड देयर बी लर्निंग दैट दीज अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड बाय सच पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, तो उसमें उन बच्चों के लिए ठीक है। उन पे वॉलंटियर्स कौन होंगे? आपके बच्चे होंगे। उनके साथ फर्स्ट हैंड कॉन्टेक्ट किसका होगा? आपके बच्चों को, जो हर स्टॉल पर बैठे होंगे। अगर वो आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर दिया तो आपके बच्चों की ऑटोमेटिकली मार्केटिंग होगी, आपके बच्चे जो है वो इस पोटेंशियल के तहत चीज़ें करते हैं। लास्ट अभी हमने जो किया था जनवरी में तकरीबन 18,000 का फुटफॉल था, ओह वाओ, सुबह से लेकर शाम तक का, और वो पार्ट ऑफ ये जो लास्ट जॉब फेयर लास्ट जॉब, तो वो बहुत वाइब्रेंट सारी चीज़ें थी। उसमें जो है वो बच्चों को उन सारी चीज़ों को मैनेज करने का आइडिया भी हमने खुद किया ही है। वो वॉलंटियर भी कर रहे होते हैं, वो स्पॉन्सर्स भी ढूंढ रहे होते हैं, वो ऑन ग्राउंड चीज़ें भी मैनेज कर रहे होते हैं। अब वो बच्चे जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे या जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ होंगे उन्होंने उनको ऑटोमेटिकली पिक करना है कि भाई ये बच्चे जो है यहाँ पे बड़े जबरदस्त बच्चे होते हैं, बड़ा काम करते हैं। यही चीज़ हमने डी पी ए के लिए की थी और डी पी में भी यही मैसेज था कि जो आप करेंगे ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर हैंडल करना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इतनी सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं, वो जो पैराग्राफ उधर पढ़ के लिखा होता है ना वो एक्चुअली आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और वो जो प्रैक्टिस आपके पास होती है वो आपको प्रोफेशनल लाइफ में इतनी हेल्प कर रही होती है कि वो आपको कहीं और ऐसे नहीं मिल सकती बुक्स में। जैसे एक चीज़ मेरे साथ जो वो है,
मैं फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाता, इसलिए जो मुझे उस वक्त ज़्यादा वो हुआ जब मेरी बड़ी बेटी हंसना है, उसने कहा कि पापा आपकी मैं स्टूडेंट होती ना ज़्यादा अच्छा था। मैंने कहा वो एक बहुत इवन दो जैसे उसने अपनी मैट्रिक की उसने पापा कोई आपने वो नहीं की मेरे लिए, मैंने कहा ठीक है, अब मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था जो मैं उसके लिए वो चीज़ कैसे। उसने अभी उसकी बुक पब्लिश हुई तो वो उस पर भी है वो कहना कि आपने उस पर मुझे कुछ नहीं दिया, तो मैंने कहा कि भाई कोई वो नहीं। फिर अभी उसका ऐसे कॉम्पिटिशन था ब्रिटिश काउंसिल के साथ ही, उसमें तो उसका ऐसे जो है बेस्ट उसमें सिलेक्ट हुआ, उसमें उसको जो है वो अभी ऑफर की गई जब वहाँ कहीं किसी भी जो कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी वहाँ जाएंगे तो 20% उसको बर्सरी उन्होंने ऑफर की गई, जब आप जिस यूनिवर्सिटी में कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है वो, तो अब वो अचीवमेंट्स उनकी होती हैं, आप वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ बैठूँ उनके साथ वगैरह, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वो एक नेगेटिव साइड मिली जाती है जो मुझे लगता है। और उसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है वो एक इंटरव्यू सुन रहा था अशफाक अहमद बानो कुदसिया का, तो बानो कुदसिया का सवाल ये था कि आप इतनी बड़ी शख्सियत तो सब कुछ आपके बच्चे जो हैं वो उस हवाले से वैसे, तो उन्होंने ये कहा कि जो दर्द ज़्यादा जो सायादार हो जाता है तो उसके नीचे जो है वो कोई दर्द भुगता नहीं है। तो मुझे फिर उस पर होता है कि कहीं मेरी इस उसकी वजह से उसको शायद वो अपनी अपॉर्चुनिटी ना मिल सके, फिर वो चीज़ सोचनी पड़ती कि जो साइड में जो उसको देखना है। लकीली जो हमारी फैमिली का इसमें वो रहा कि तकरीबन सब में ये चीज़ चाहे मदर साइड से देखो फादर साइड से देखो या अपने दादा या अपने नाना या नानी जो साइड से देखो दे ऑलवेज हैव स्ट्रगल्ड एंड रिमेन्ड पॉजिटिव, तो वो एक नेचुरली सी एक चीज़ आई कि चीज़ों के बारे से उसका नेगेटिव साइड नहीं उसका हमेशा पॉजिटिव साइड उसके आपको देखनी चाहिए। पर इसलिए नानी हमेशा जैसे उनके बोला कि जो दे चला वो ले चला, जो रख चला वो खो चला, विच मीन्स के इफ़ यू हैव सेव समथिंग फॉर योरसेल्फ तो आप तक ही रहेगी, लेकिन जो आप दे देते हैं असल में वही चीज़ है जो आप साथ लेके जाते हैं। सो दैट्स काइंड ऑफ फ्रेजेज दैट यू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स और फिर उसके जगह तो कीप गिविंग तो यू विल डेफिनेटली विल हैव सेटिस्फैक्शन ड्रॉन आउट ऑफ इट, तो दैट इज व्हाट कैप्टन ही मोटिवेट की हाँ ये करना है और करना है, ये हो गया कोई बात नहीं मैं उसके बाद ले लूँगा। मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं दैट आई हैव बीन इंस्पायर्ड मेनी टाइम्स, नॉट जस्ट द पॉजिटिविटी जिसके बारे में बात कर रही हूँ, द लीडरशिप स्टाइल जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सर लीडर्स को पपेट्स चाहिए होते, मतलब वो लीडर ही नहीं होते फिर, तो जो भी ऊपर बैठ रहे हैं वो जो भी बॉसेज हैं जो मैनेजर्स हैं दे वॉन्ट पपेट्स, एंड आई हैव लिटरली सीन दिस, और इसी वजह से शायद वो ग्रोथ भी नहीं हो, लॉन्ग टर्म पर ग्रोथ नहीं हो पाती, शॉर्ट टर्म में वो अपना काम करवा लेते हैं चाहे वो सही हो या गलत हो, बट ये जो लीडरशिप स्टाइल है जो ट्रू लीडर होता है जो एम्पावर करता है, एंड एज यू सेड कि मैं चाहता हूँ कि आगे से लोग बोलें काउंटर करें अपने ओपिनियंस दें, ये बहुत कम लोगों में ये ब्रेवरी होती है कि वो क्रिटिसिज्म हैंडल कर सकें और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को फेस कर सकें, एंड दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सो मेरे पास सवालों की तो लिस्ट है, वो चलती रहेगी इंशाल्लाह आगे भी, मैं तो सीखती रहूँगी आपसे, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस, आपका एक डेढ़ घंटा मेरे लिए बहुत बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग यू हियर एंड एनी टाइम, आपने पहले भी मुझसे कहा था लेकिन अपनी मुसीबत से पहले नहीं आ सका, लेकिन हमेशा खुशी होती है जब आप जैसे बच्चों को जो है वो देखते हैं कि जो वो चीज़ों को ले रहे हैं कोशिश कर रहे हैं एक्सेल कर रहे हैं चीज़ें चेंज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो असल लाइफ है ये कि आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना दे पाते हैं चीज़ों के लिए। उसमें जिस पहले मैंने कहा कि स्ट्रगल्स हैं प्रॉब्लम्स हैं वो तो लाइफ का पार्ट है, हमेशा रहेंगी कभी ख़त्म नहीं होंगी, कोशिश जारी रहनी चाहिए, लेकिन आपको सोल्यूशन ढूंढने की तैयारी है, आपको जो एक दरवाज़ा बंद है तो चार दरवाजे ढूंढने की कोशिश वो हमेशा करते रहनी चाहिए, एंड यू डेफिनेटली फाउंड किसी भी प्रॉब्लम से उसका सोल्यूशन हमेशा बड़ा होता है, इट्स ओनली अबाउट अ मैटर ऑफ एक्सप्लोरिंग इट, वो आपने एक्सप्लोर कर लिया तो यू विल एक्सेल, और अगर आप ने एक्सप्लोर नहीं किया और आप उसकी एक दरवाजे के बाहर बैठे रहे तो ठीक है, अगर किस्मत में होगा दरवाज़ा खुल जाएगा, अदरवाइज यू हैव यू मे लूज अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने कहा ना कि एजुकेशन के टाइम में भी आई केप्ट ऑन स्टार्टिंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो सिर्फ इसलिए कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं यू टेक देम, उसमें से कौन सा बेस्ट होगा दैट वी नीड टू वर्क आउट, और ऑप्शंस आपको जो है वो हमेशा ढूंढने चाहिए।
ऑप्शंस ढूंढेंगे तो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, ऑल्टरनेट डोर्स भी मिलेंगे, चीज़ें भी मिलेंगी। लेकिन अगर नहीं तो फिर आपके पास वो जो एक सॉल्यूशन जिसके एक दरवाजे की बात कर रहे हैं या एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो फिर इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके लिए जो है आपको बाकी किसी सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़े, या वो आपके लिए इतना बेहतर हो या आपको इतना यकीन हो कि वो वाकई खुलेगा तो आपको उस पर करनी चाहिए। लेकिन ये सारी असेसमेंट सर्कमस्टांसेस सिचुएशन सबको देख के उसके बाद आपको तय करना होता है। बट वंस यू हैव डन इट फिर उसके बाद आप स्टिक टू इट। इसका दूसरा इस वजह से जो कहते हैं कि मैं फैसला करने के बाद उसको सही है, तो फिर आप इतना कॉन्फिडेंट हो अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में कि आप उसको सही कर लेंगे, आप वो दरवाज़ा खोल लेंगे। लेकिन अगर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि आप उस दरवाजे को खोल लेंगे तो यू ऑलवेज लुक फॉर ऑप्शन। तो ये जजमेंट कॉल आपकी अपनी होगी उन सिचुएशंस को, उन प्रॉब्लम्स को, उन स्ट्रगल को, उन चीज़ों को देखने के बाद। आई विश एंड आई होप दैट दिस विल बी वेरी इंसाइटफुल फॉर स्टूडेंट्स हूएवर इज़ वॉचिंग अस। एंड मैं तो हमेशा सीखती हूँ, आई एम श्योर और भी सीखेंगे। दिस इज ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू इंटरव्यू यू एंड आई एम डूइंग इट टुडे, बट आई होप कि मैं मेरे साथ साथ और भी लोग इससे सीखें। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच।